राखी कबीर दास जी द्वारा प्रस्तुत दोहे हैं जिनमें दोहा हाँ दोहा अर्ध सम मांत्रिक छंद होते हैं जी, या दो पंक्ति के होते हैं और इनमें कबीरदास जी ने अपनी वाणी दी है। आइए कुछ जानते हैं कबीरदास जी के बारे में। पहले तो कबीरदास जी संत कवियों में, जी संत कवियों में कबीरदास जी का सर्वोच्च स्थान है और वह संत काव्य धारा की ज्ञान श्रेयी निर्गुण शाखा, जी निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म 1455 में माना जाता है और इनकी मृत्यु पर अभी भी कुछ विवाद है। यह इनके गुरु संत स्वामी रामानंद जी हैं, हां कबीरदास जी के गुरु। और कुछ काल लोगों का मानना यह भी है कि सूफी संत शेख तकी भी इनके गुरु हैं। अच्छा, कबीरदास की अगर आपसे पूछा जाए कि वाणी, यस कबीरदास जी ने जो वाणी दी उनको बीजक नाम की एक पुस्तक में संग्रहित किया गया। इसके तीन भाग हैं, पहला साखी जिसमें से हम 5 दोहे आज पढ़ेंगे, दूसरा शब्द और तीसरा रमैनी। जी अब कुछ और परिचय कबीरदास जी की, हाँ लेखनी पर किस तरह का, यस किस तरह की उनकी भाषा रही है। तो कबीर जी की भाषा, जी कबीर जी की भाषा सुधकड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी भाषा में कई शब्दों का, कई प्रकार की भाषाओं का मेल है, अवधी उर्दू पंजाबी, हाँ कई भाषाओं का मेल है, इसीलिए इसका नाम है पंचमेल खिचड़ी या सुधकड़ी। आइए शुरुआत करते हैं पहले दोहे से। जी गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जी ये तो बड़ा ही कॉमन और बहुत ही पॉपुलर दोहा है, जरूर आपने अपने जूनियर क्लासेस में जरूर इसको पढ़ा होगा। तो यहां पर इस दोहे में कबीर गुरु की महिमा का, जी गुरु की महिमा का प्रतिपादन कर रहे हैं। वह बता रहे हैं कि गुरु में और गोविंद अर्थात ईश्वर में अगर दोनों सामने खड़े हो तो मैं पहले इसके चरण स्पर्श करूंगा। जी इसके करेंगे पहले चरण स्पर्श गुरु के, क्यों? क्योंकि उन्होंने ही ईश्वर का ज्ञान कराया। तो आइए इसका अब व्याख्या विस्तृत में करते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं इन पंक्तियों में कि गुरु और गोविंद अर्थात ईश्वर और यस गुरु एक साथ अगर खड़े हो जाएं तो पहले किसे प्रणाम करना चाहिए? तो गुरु को करना चाहिए, है ना? गुरु को क्यों? क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर के सामने शीश झुकाना बताया है, ईश्वर का मार्ग बताया है, उनकी कृपा से ही ईश्वर रूपी प्रसाद यस अर्थात गोविंद का दर्शन हमें प्राप्त हो पाया है। अगर ईश्वर नाराज हो जाएंगे तो उन्हें मना लिया जाएगा, पर अगर गुरु नाराज हो जाएंगे तो उन्हें मनाना मुश्किल होगा। दूसरा साखी, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। दूसरी साखी में कवि ने कहा है कि अहंकार को मिटाकर ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। हाँ कबीरदास जी इसमें वर्णन करते हैं कि जब तक मैं होगा, जी जब तक मैं का अर्थ है अहंकार, अहम, तो जब तक अहंकार होगा ईश्वर का साक्षात्कार, ईश्वर का दर्शन नहीं प्राप्त होगा, और अहंकार समाप्त हुआ तभी हमें ईश्वर मिले, अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है तब अहंकार भी स्वतः ही नष्ट हो गया है। तो प्रेम की गली, यस ईश्वर को पाने की, यस उस प्रेम की गली बहुत तंग है, बहुत सक्रिय है। जिस प्रकार किसी तंग गली में दो व्यक्तियों को स्थान नहीं दिया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार प्रेम की गली में अहंकार और ईश्वर दोनों को स्थान नहीं मिल सकता है। भाव यह है, जी भाव यह है कि ईश्वर का साक्षात्कार करना है तो अहंकार का त्याग करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति के लिए, जी ईश्वर की प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग सबसे महत्वपूर्ण कृत्य काम है। जी अहंकारी व्यक्ति के लिए ईश्वर को पाना कठिन है और अहंकारहीन व्यक्ति सरल हृदय का होता है और इसीलिए ईश्वर को जल्दी प्राप्त कर सकता है। आइए तीसरे साखी के बारे में जानते हैं। आप जानते हैं कांकर पाथर जौरी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। क्या बात है, बहुत ही यस बहुत ही उम्दा लिखा है इसमें। तो तीसरी साखी में कवि ने मुसलमानों पर व्यंग करते हुए कहा है कि ईश्वर की उपासना शांत रह करके भी की जा सकती है, अर्थात कवि ने बाहरी आडंबरों पर धार्मिक कुरीतियों पर प्रहार किया है। यस भावार्थ यह है कि कबीरदास ने इस्लाम की धार्मिक कुरीतियों पर कटाक्ष किया है। कबीर ने कहा है कि मनुष्य में सच्ची भक्ति करनी है, यस अगर सच्ची भक्ति चाहिए तो ढोंग पाखंड दिखावे से ईश्वर नहीं प्राप्त होते हैं। कबीर कहते हैं कि कंकड़ और पत्थर को जोड़कर मनुष्य ने मस्जिद बना दिया और उस मस्जिद में मौलवी जोर जोर से चिल्लाकर नमाज अदा करता है, अर्थात मुर्गे की तरह बांग देता है। जैसे मुर्गा रोज सुबह कुकड़ू कू करता है, बांग देता है, वैसे मुल्ला भी इस मस्जिद पर चढ़कर जोर जोर से बांग देता है। तो क्या ईश्वर का आह्वान करने से क्या ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे? क्या कहते हैं? तो इसी रूढ़िवादिता पर व्यंग करते हुए वह मानस समाज से प्रश्न करते हैं कि क्या खुदा बहरा है, जी जो हमें इस तरह चिल्लाने की आवश्यकता पड़ती है, क्या शांति से की गई अर्थात मन ही मन की गई प्रार्थना ईश्वर तक नहीं पहुंचती है? तो इस दोहे में ढोंग आडंबर पाखंड का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ईश्वर तो सर्वज्ञ है, अर्थात सब जगह ईश्वर मौजूद है। आइए चौथी साखी के बारे में जानते हैं। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़,
ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। तो चौथी साखी में वाहन अर्थात पत्थर। जी पत्थर पूजने पर अगर ईश्वर ही मिल जाते तो मैं पूजूं पहाड़, मैं पहाड़ की क्यों ना पूजा करूं, और उससे ज्यादा अच्छी क्या है, उससे भली क्या है, यह पत्थर की बनी चक्की। जी चक्की जिसमें आटा पिसता है, गेहूं पिसता है और उसे खाकर सभी प्राणी का पेट भरता है, यह संसार उसे खा करके यह अपना पेट भरता है। तो चौथी साखी में कवि ने हिंदुओं की मूर्ति पूजा का खंडन किया है, पत्थर पूजने से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आइए भावार्थ को अच्छे से जानते हैं। इस दोहे में कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा जैसे बाह्य, जी बाह्य मतलब बाहरी आडंबरों का विरोध किया है। कबीर के अनुसार यदि ईश्वर पत्थर पूजने से ही मिलता तो वे पहाड़ की पूजा करना शुरू कर देंगे, क्योंकि पहाड़ तो वैसे भी बड़ा होता है जी, परंतु ऐसा संभव नहीं है। कबीर मूर्ति पूजा के स्थान पर घर पर चक्की की, जी चक्की जिसे गोल चलाया जाता है पत्थर की होती है, पूजा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे अन्न पिसता है, अनाज पीस कर खाया जाता है, जिसमें अनाज पीसकर लोगों का पेट भरते हैं। आइए पांचवी और अंतिम साखी के बारे में जानते हैं। सात समंद, जी अर्थात सात समंदर की मसी करूं। मसी, मसी मतलब होता है स्याही, जी स्याही मतलब इंक। जी अगर सात समंद से क्या कर दूं, मैं इंक बना लूं, और लेखनी मतलब पेन, जी कलम को कहते हैं, हाँ कलम को कहते हैं लेखनी। तो सातों, यस सातों समंद से स्याही बना दूं और लेखनी सब बन रहा है अर्थात सारे जंगल, दुनिया के सारे जंगल को क्या बना दूं, यस कलम बना दूं, और सारी धरती को कागज बना दूं। कागज मतलब यहां पर कागज, पेपर, जी सारी धरती का कागज बना दूं, हरी गुण लिखाना चाहे। पर क्या इतना करने पर भी ईश्वर की गुण हम लिख सकते हैं? अर्थात नहीं, यही ईश्वर के अनंत गुण है, हमारे ईश्वर की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता है, यही पांचवें साखी में उन्होंने वर्णन किया है। आइए भावार्थ से इसको समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि इस पूरी धरती के बराबर बड़ा कागज, जी दुनिया के सभी वृक्षों की कलम, क्योंकि पहले आपको याद होगा कलम को पेन के, यस कलम मतलब पेन होता है, पेन को पहले स्याही में डुबा करके लिखा जाता था, तो इसीलिए सारे वृक्षों की कलम बना दी जाए और सातों समुद्र के पानी को स्याही बना दिया जाए, तब भी हरि का अर्थात ईश्वर के गुणों का बखान नहीं किया जा सकता। चलिए गिरधर कविराय जी के दर्शन कर लें और शुरुआत करते हैं कुंडलिया। गिरधर कविराय और सबसे पहले कवि परिचय। जी तो गिरधर कविराय के जीवन के बारे में बहुत जानकारी उपलब्ध नहीं है। श्री शिव सिंह जी ने हाँ इनके जन्म के बारे में बताया है कि लगभग 1770 संवत में इनका जन्म हुआ है, और इनकी कविताएं नीति, वैराग्य और आध्यात्म। नीति मतलब जीवन कैसे जिए, वैराग्य मतलब तप, और आध्यात्म मतलब होता है ईश्वर के ध्यान में, योग में चले जाना, तो इनसे जुड़ी कविता है इनकी। और या तो इनके कविताओं में व्यावहारिक पक्ष अर्थात प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ का अनुभव मिलता है। इनकी कविता लोगों में पैठ बनाए रखी है, जनमानस में बहुत गहरी पैठ है, पसंद है इनकी कविताएं। क्यों? क्योंकि नीति संबंधी कुंडलियां लोगों में बहुत लोकप्रिय है। क्यों लोकप्रिय है? क्योंकि इनकी भाषा सरल, सहज, व्यावहारिक तथा सीधी साधी भाषा में या गंभीर से गंभीर नीति से भरी बातों को लोगों को समझा पाते हैं। तो कहां से ली गई है ये कुंडलियां? गिरधर कविराय ग्रंथावली, गिरधर कविराय ग्रंथावली से यह कुंडलियां संकलित की गई है। तो चलिए पहले जानते हैं ये कुंडलियां क्या होती है। वैसे कुंडली तो सांप लगा के बैठा है, हाँ गोल घूम के बैठा है, उसे कुंडली कहते हैं, कैसे कुंडलियां देना है? जी नहीं, चलिए जल्दी से जानते हैं। तो कुंडलियां दोहा और रोला के संयोग से बना एक छंद होता है। अब इस छंद में 6 चरण होते हैं और इनमें क्या होता है, 24 मात्राएं होती हैं। यस, हर चरण में 24 मात्राएं होती हैं, और कुंडलियों के पहले दो, जी पहले दो चरण में दोहा और शेष 4 चरण में रोले होते हैं, जी रोले से बने होते हैं। तो दोहे और रोले के संयोग से बना है कुंडलियां। अब आते हैं इनकी कुंडलियों के केंद्रीय भाव क्या है, अर्थात सेंट्रल आइडिया क्या है कुंडलियों का। तो इनकी कुंडलियों में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह उसमें लाठी और कंबल के प्रति आदर भाव बताया गया है। यस, लाठी को आप ऐसे ही इधर-उधर फेंक देते हैं, कंबल जो कि आज हम पहनना पसंद नहीं करते, यस आप और मैं काली कंबल नहीं पहनना पसंद करते हैं, बल्कि सॉफ्ट मलमल की कंबल, यस विंटर्स में आप पहनते हैं, है ना। तो इनकी, यस इनके प्रति आदर भाव और मौका परस्ती, सिर्फ लोग अपने मतलब के लिए साथ देते हैं आपका, और सबल का सहारा, मजबूत का सहारा, समय के अनुसार काम करने पर, इन सब बातों में उन्होंने अपनी इन, यस इन कुंडलियों में मार्मिक ढंग से इसका वर्णन किया है। इसलिए इनकी कुंडलियां सारे जनमानस में प्रभाव छोड़ती है और आज भी, यस आज भी यह बड़ी लोकप्रिय है। चलिए पहली कुंडली के बारे में जानते हैं। पहली कुंडली में लाठी, यस लाठी के गुणों का वर्णन है। लाठी, यस आई स्क्रीन पर दिखा देते हैं आपको लाठी। तो लाठी में है बहुत गुण, सदा राखिए संग, सिंपल लाइन है, गहरी नदी नाली जहां तहां बचावे अंग, अर्थात लाठी को, हाँ लाठी में बहुत गुण है अर्थात बड़े काम की है, सदा रखिए संग, अपने साथ रखिए, अपने संग रखिए, गहरी नदी अर्थात जहां पर नदी गहरी, ऑब्वियस बात है गहरी तो आप जानते हैं डीप, गहरी नदी हो, नाली हो, ये नारी जो लिखा है नाली, हाँ नाला हो कहीं पर, तहां बचावे अंग, वहां आपके अंग की आपकी रक्षा करता है। कैसे? हाँ आप नदी की गहराई नाप सकते हैं और इसके सहारे नाले को पार भी कर सकते हैं, तो आपका अंग, यस आप सुरक्षित रहेंगे, आपका शरीर, यस सुरक्षित रहेगा, आपके शरीर को बचा लेगा ये लाठी। और अगर झपटी कुत्ता कह मारे, अगर कहीं कुत्ते ने राह में आप पे झपट लिया है तो उस कुत्ते को भी क्या करेंगे, इस लाठी से दे मारेंगे। दुश्मन, अगर मार्ग में कोई दुश्मन, कोई दावागीर मिल जाए, दावागीर अर्थात जो आप पर अनुचित दावा करना चाहता है, तब क्या होगा, तिन्हू को झाड़े, उनको भी दीजिए इस लाठी से झाड़, समझ गए, दीजिए लाठी। कह गिरधर कविराय सुनो है दूर के बाटी,
क्या मतलब है इसका? तो यहां कहना चाहते हैं गिरधर जी कि अगर आप धूल भरी रास्तों में या धूल भरे रास्तों में घूमने वाले या व्यक्ति हैं, सड़क पर जाने वाले व्यक्ति हैं, यह हथियार चोरी अर्थात इस लाठी के हथियार के बिना आप ना निकले, इसको छोड़कर ना निकले, हाथ में लीजिए लाठी, अपने हाथ में मैं हाथ में जरूर लाठी ले जी, हाथ में लीजिए लाठी। तो लाठी के गुणों की प्रशंसा की गई है, लाठी किस तरह हमारे दिन प्रतिदिन के कामों में, रोज के कामों में इस्तेमाल होता है। आइए मैं इस व्याख्या को अब जल्दी से आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। हाँ, अगर आप चाहते हैं नोट्स तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल sartanurbani.com और यस इस पे आपको नोट्स वीडियो लेसन सारे उपलब्ध है। तो चलिए, गिरधर कवि राय द्वारा लिखित उपयुक्त कुंडलियों में कवि ने लाठी के गुणों का की ओर संकेत किया है और उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। कवि लाठी में बताते हैं कि बहुत गुण है और इसलिए हमेशा लाठी को साथ रखना चाहिए। लाठी अनेक प्रकार से अनेक स्थितियों में हमारी सहायता करती है, कहीं गड्ढा आ जाए, कहीं हमें इसमें संतुलित करने में लाठी मदद करती है, कहीं नदी आ जाए तो लाठी का प्रयोग करके न केवल हम इस नदी की गहराई का पता लगा सकते हैं बल्कि लाठी से पार भी किया जा सकता है। तो यदि मार्ग में कोई कुत्ता आपके सामने आ जाए तो लाठी से भी उसकी रक्षा की जा सकती है। क्यों? क्योंकि कुत्ते के झपटने पर लाठी से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। हाँ, यदि दुश्मन भी आपके सामने आ जाए तो भी लाठी हमारे बड़े काम की आती है, क्योंकि लाठी के सहारे क्या करेंगे, दुश्मन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो गिरधर कवि राय कहते हैं कि हे धूल भरे मार्ग में यात्रा करने वाले, इसलिए दूर के बाटी, धूल भरे मार्ग में यात्रा करने वाले यात्री, मेरी बात ध्यान से सुनो, सब हथियारों को छोड़ दो, हाथ में क्या करो, लाठी लेकर यात्रा करो। आइए अब दूसरी कुंडली के बारे में जानते हैं। यहां पर यस कमरी मतलब काला कंबल जी, जो काला कंबल कमर में लोग पहनते हैं ना, जरा स्क्रीन पर भी आप इसका इमेज देख सकते हैं। यस काला कंबल जो, यस तो कमली, यस काला कंबल, हाँ काला कंबल जो आप और आज पहनना नहीं पसंद करते हैं, काला कंबल जी। तो काला कंबल होता थोड़े तो दाम का है, बहुत आवे काम पर, आता बहुत काम है। कैसे? खासा, खासा मतलब होता है यस एक महंगा वस्त्र जी, मलमल वेलवेट, आपने सुना होगा वेलवेट भी एक बहुत ही महंगा कपड़ा आता है, वास्ता यस ये भी एक कीमती कपड़ा है, महंगा कपड़ा है। तो खासा जो कि एक प्लेजेंट, एक महंगा वस्त्र है, मलमल वेलवेट है, वास्ता भी एक कीमती वस्त्र है। उनकर राखे मान, इन वस्त्रों का यह मान रखता है, इनकी स्वच्छता बनाए रखता है, इनका सौंदर्य बनाए रखता है। कैसे जानना चाहते हैं कंबल इन वस्त्रों की सौंदर्य कैसे बताता है? उनकर राखे मान बंद, यस इनको यस कमरी में बंद कर दो, बंद जहां आड़े आवे, जब आपको जरूरत पड़े आप कंबल में इन कीमती वस्त्रों को लपेट दीजिए, रख दीजिए ढक करके। बकुचा बांधे मोट, बकुचा मतलब होता है गठरी, यस बांधे मोट गठरी, बांध लीजिए, मोट कर लीजिए, गठरी कर लीजिए, इसकी इस कीमती कपड़ों की, खासा मलमल और वाफ्ता का गठरी बना लीजिए। गठरी में यस गठरी इसकी बांधेंगे, काले कंबल की, कमरे की बांधेंगे, रात को झाड़ी और क्या करेंगे इस काले कंबल का, रात को झाड़िए इसको अच्छे से, है ना, अगर मैला हो जाए क्या होगा, धूल झट जाएगी। तो क्या गिरधर कवि राय मिलत है थोड़े दमरी, दमरी मतलब दाम, तो थोड़े ही दाम में, थोड़े ही कीमत में सब दिन राखे साथ, हर दिन इसको अपने साथ रखिए, बड़ी मर्यादा कमरी, बड़े काम की, यस बड़े सम्मान की, यस बड़े सम्मान करने लायक है ये काली कमली। आइए अब इस व्याख्या को यस बुकिश लैंग्वेज में आपके लिए समझते हैं। अब यह व्याख्या आपको इजीली अवेलेबल रहेगी हमारे यस व्हाट्सएप यस में भी, और अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया सरतनुरपानी तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और अभी मैंने डेडिकेटेड चैनल बना रखा है आप लोगों के लिए सरतनुरपानी, और एक वेबसाइट sartanurbani.com, उस पर भी आपको ये नोट्स वीडियो लेसंस उपलब्ध रहेंगे। चलिए व्याख्या, गिरधर कवि राय द्वारा रचित उपयुक्त कुंडलियों में कवि राय काली कमरी अर्थात काली कंबल, जो कि साधारण कंबल होती है, की उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। हाँ, कवि कहते हैं कि काली कंबल होती तो थोड़े मूल्य की है, थोड़े दाम की है, बट ये सस्ती कंबल बहुत लाभ आती है, बहुत काम आती है, हमारे बहुत प्रकार से काम आती है। खासा जो कि एक उत्तम प्रकार का कपड़ा होता है, उत्तम मतलब एक हाई क्वालिटी का कपड़ा होता है, मलमल जिसको हम लोग वेलवेट भी कहते हैं, अगेन ये भी एक महंगा कपड़ा होता है, वाफ्ता, वाफ्ता भी एक तरह का महंगा कपड़ा होता है, इस कीमती कपड़ों की धूल और पानी से रक्षा करता है, कौन, यह कंबल। तो महंगे कपड़ों की, यस कीमती कपड़ों को भी कमरी में अर्थात इस काले कंबल में लपेट कर उसकी हिफाजत, उसकी रक्षा की जा सकती है। तो इन कपड़ों की गठरी बनाई जा सकती है, और यही नहीं, रात पड़ने पर कमरी को झाड़कर, इस कंबल को झाड़कर बिछाया जा सकता है, और क्या कर सकते हैं, और आराम से कंबल पे सो जाओ, है कि नहीं है। तो गिरधर कवि राय क्या कहते हैं, इतनी उपयोगी कंबल, यस इतनी उपयोगी कमरी, वो भी इतने कम दाम में उपलब्ध है, अतः हमारी कमरी को हमें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। क्या सजेशन है आपका, क्या राय है यस इन यस कुंडलियों के बारे में, यस कंबल के प्रयोग के बारे में, चलिए आपकी राय मैं जरूर जानना चाहूंगा, वीडियो के अंत में, लेसन के अंत में आप बताएं तो अच्छा लगेगा। चलिए, कहीं आप काली कंबल तो नहीं यूज करते हैं, करते हैं तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। चलिए थर्ड कुंडलियों के बारे में जानते हैं, गुण के ग्राहक जी, गुण मतलब गुण, गुण क्वालिटीज, यस मैन विद क्वालिटीज, यस आज किसकी पूजा है, आज गुण की पूजा है जी, रंग रूप पैसे की पूजा नहीं है, आपके क्वालिटीज की पूजा है जी, आपके गुण की। तो गुण के ग्राहक, ग्राहक मतलब होता है ग्राहक, ग्राहक हाँ कस्टमर, तो गुण के कस्टमर, गुण को चाहने वाले, गुण को प्राप्त करने के लिए, यस गुण के ग्राहक, सहस, सहस मतलब सहस्त्र जी, सहस्त्र शब्द से जिसका मतलब होता है हजारों जी, तो गुण को चाहने वाले, गुण को लेने वाले हजारों हैं जी। अब नर बिन गुण लहे न कोई, अर्थात जिस नर में, जिस व्यक्ति में गुण नहीं है उसे कोई नहीं लेना चाहता है, उसे कोई नहीं अपनाना चाहता है। इस बात को, इस गुण के, यस गुण की महत्वता को बताने के लिए गिरधर जी ने कागा अर्थात कौवे और कोयल का एग्जांपल लिया है।
आइए समझते हैं, क्योंकि दोनों ही काले हैं, याद रखिएगा। शब्द सुने सब कोए, तो कौए के और कोयल की वाणी के शब्द सबने सुने हैं, और कोकिला यस कोयल के शब्द सुनने पे बड़ा सुहाना लगता है, अच्छी लगती है, सुहानी लगती है, और दोनों का एक रंग है, कौए का कोयल दोनों काले हैं, बट जो कहा गया था कौआ है, सब भय अपावन, इसकी आवाज सुनकर कहते हैं ओहो बहुत अपवित्र आवाज है, अपावन है। तो कह गिरधर कवि राय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोई, अर्थात गुण के बिना, गुण के बिना आपको कोई नहीं अपनाएगा, सहस नर ग्राहक गुण के, अर्थात सभी नर हजारों नर व्यक्ति किसके ग्राहक है, किसको अपनाना चाहते हैं, किसकी प्रशंसा करते हैं, जिनमें गुण है। बहुत ही आसान था, आइए अब इसी व्याख्या को किताबी भाषा में, यस बुकिश लैंग्वेज में आपको एक बार पढ़ के जब इसे सुना देते हैं। तो इस कुंडलियों में गिरधर ने कवि राय ने यस संसार में सर्वत्र गुणी व्यक्ति का गुण का आदर और सम्मान होता है, हाँ गुणों के प्रशंसक हजार होते हैं, हाँ ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, यस ऐसा कोई ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं पूछता जिसमें कोई गुण ना हो, इसलिए व्यक्ति को अपने में गुणों का विकास करना चाहिए, डेवलप सम स्किल एंड टैलेंट अमंग योरसेल्फ। इसीलिए आपके मम्मी पापा आपको स्कूल भेज रहे हैं, आपको कोचिंग भेज रहे हैं, आपको स्पोर्ट्स खेलने के लिए भेज रहे हैं, जूडो कराटे बॉक्सिंग डांसिंग स्केटिंग पेंटिंग क्यों भेज रहे हैं क्लासेस में, ताकि आप में भी, जी हाँ आप में भी गुण आ जाए। बताइएगा मुझे आप इनमें से यस किस वाले क्लास में जाते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा क्लास अटेंड करते हैं जिनमें से आपके पास गुण आ जाए, या गुण याद रखिएगा पेंटिंग डांसिंग स्केचिंग राइटिंग कुछ भी हो सकता है, क्या इनमें से आप किसी क्लास को करते हैं, जरूर करते होंगे, ताकि आप में भी कोई एक्स्ट्रा टैलेंट अदर देन एजुकेशन के साथ आ जाए। तो कभी क्या कहना चाहते हैं, उदाहरण से देते हैं कि कौवे और कोयल, हाँ दोनों का उदाहरण देते हैं, कहते हैं दोनों का रंग काला होता है, परंतु कोई भी कोयल कौवे को, जी कौवे को उसकी कर्कश आवाज उसकी शोर भरी आवाज की वजह से पसंद नहीं करता है, और कोयल की मधुर आवाज सभी को अच्छी लगती है, और कोयल की मधुर वाणी सभी सुनना चाहते हैं, कौवे की काव काव कौवे का शोर किसी को नहीं भाता है। तो गिरधर कवि राय कहते हैं समाज में केवल गुणों की ही प्रशंसा या सराहना की जाती है, और गुणों का ही आदर किया जाता है, रंग रूप यस ये सब काम नहीं आता है, इनका कोई तारीफ नहीं करता है, बिना गुणों के यस बिना गुणों के किसी का सम्मान नहीं होता है, और गुणी व्यक्ति को चाहने वाले हजार होते हैं। यस क्या आप में से कोई यस हनी सिंह नेहा कक्कड़ या और किसी बड़े टैलेंटेड बादशाह के गाने सुनते हैं, तो क्या गुण है उनमें, क्या कहते हो, सिंगिंग का गुण है, तो इसलिए उनकी प्रशंसा हो रही है, उनकी तारीफ हो रही है, हर कोई उनको सुनने यस उनको देखना चाहता है, उनकी प्रशंसा करता है। चलिए एग्जांपल मैंने आउट ऑफ द बॉक्स दिया है, यस इसीलिए ताकि आपको ये बात दिमाग में बैठ जाए कि गुण की प्रशंसा हर जगह होती है। चलिए साई सब संसार में, साई मतलब ईश्वर, ठीक है ना, यहां साई का मतलब है ईश्वर भगवान, तो ईश्वर यस हे ईश्वर इस संसार में मतलब का व्यवहार, मतलब होता है सेल्फिशनेस, यस जब तक काम है जब तक किसी से मेरा मतलब बन रहा है तब तक मेरा क्या है उसके प्रति मेरी दोस्ती है, जब लग पैसा गांठ में अर्थात जब तक पैसा अपने पॉकेट में है तब लग ताको यार, तब तक सब लोग आपको अपना दोस्त कहेंगे, आपसे अपनी दोस्ती निभाएंगे, तब लगता को यार, हाँ तब तक आपसे यार बने रहेंगे, यार संग संग ही डोले, और आपके साथ डोलेंगे आपके साथ घूमेंगे फिरेंगे, यस डोलना मतलब यहां पर नाचना भी हो सकता है और घूमना फिरना भी होता है, जी घूमना यस, तो घूमने फिरने सब समय आपके साथ रहेंगे, कब तक, जब तक आपके पास पैसा है, सुना ही होगा मम्मी पापा ने भी कई बार बोला होगा, और पैसा रहने यस पैसा रहे ना पास, अगर जिस दिन आपके पैसे खत्म हो गए यार मुख से ना ही बोले, आपका दोस्त आपसे बात भी नहीं करना पसंद करेगा, आपसे मुख से बात भी नहीं करेगा। तो गिरधर कवि राय कहते हैं जगत यही लेखा भाई, अर्थात यह संसार का यही रीति है यही लेखा है, क्या लिखा है, करत बेगरजी प्रीति, ऐसे बहुत ही यस बेगरज अर्थात निस्वार्थ बिना किसी गरज के, ऐसे निस्वार्थ प्रीति, प्रीति मतलब होता है प्रेम, तो निस्वार्थ बिना स्वार्थ के यस बहुत कम ही, बिरला मतलब होता है बहुत थोड़ा, यस बिरला मतलब होता है बहुत कम, बहुत कोई कोई, ठीक है ना, बहुत कम ही बहुत कोई ऐसे व्यक्ति मिलेंगे है ना जो आपका साथ दे, है ना, ऐसे यार ऐसे दोस्त को कभी मत त्यागेगा, सुना होगा फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड, तो ऐसे सच्चे दोस्त यस जो आपके दुख के दिनों में भी और खुशी के दिनों में भी आपके साथ रहते हैं। आइए इसकी व्याख्या बुकिश लैंग्वेज में अब देखते हैं, तो क्या कहते हैं गिरधर जी कि संसार में सभी लोग मतलब के हैं, जी और मतलब की ही बात करते हैं और मतलब से ही आपसे संबंध बनाए रखते हैं, और जब तक आपसे मतलब होता रहता है तब तक आपसे वो क्या करते हैं संबंध बनाए रखते हैं, क्यों, क्योंकि मतलब से तो गया तो आपसे भी क्या हो गए यह संबंध खत्म। तो क्या भाव है, भाव यही है कि सभी व्यक्ति संसार में स्वार्थी हैं, अपना हित सोचते हैं, जब तक किसी के पास धन दौलत है रुपया पैसा है तब तक सभी लोग उसके क्या हो जाते हैं मित्र बन जाते हैं, और अनजान लोग भी मित्र बनना चाहते हैं, और जिसके पास पैसा होता है उसके मित्र कहलाने का लोग ढोंग रचते हैं, हाँ उसके साथ साथ घूमते हैं उसके साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, हाँ पर जैसे ही पैसा खत्म तमाशा खत्म, सुना है ना, तो ऐसे लोग मित्रता समाप्त हो जाती है पैसा खत्म होने पर, ऐसी स्थिति में हमें उनसे सीधे मुंह से वो बात भी नहीं करते हैं जो कभी आपकी मित्रता के गुण गाते थे। तो गिरधर जी कहते हैं इस संसार का यही व्यवहार है, इस संसार की यही रीत है, क्या रीति है कि संसार व्यवहार स्वार्थ पर आधारित है, और ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है निम्न है, ऐसे लोगों की जो बिना स्वार्थ के किसी से मित्रता रखते हैं, क्या आपके पास भी ऐसे कोई फ्रेंड है जो आपसे निस्वार्थ भाव से बिना किसी लालच के बिना किसी छल कपट के आपसे मित्रता करता है, अगर है तो ऐसे दोस्त को कभी मत जाने दीजिएगा, रूठ भी जाए तो मना लीजिएगा। चलिए गिरधर जी ने कह रहे थे मैं कह रहा था, अगली कुंडली पे आते हैं, रहिए लटपट काट दिन बरु धामे मा सोए, धामे मतलब होता है धूप, जी तो अगर आपको धूप लगे आपको घाम लगे परेशानी हो आप अपने दिन काट लीजिए, अर्थात बुराई में बुरे वक्त में भी अपना दिन कैसे भी काट लीजिए, छा न बाकी बैठिए, पर क्या ना करिए, पर छाव में मत बैठिए, इसकी छाव में मत बैठिए,
पतले पेड़ की, कमजोर पेड़ की। कहां लिखा है, आइए देखते हैं। तरु मतलब पेड़, हाँ तरु न मेरा नाम है और ये तरु है सिर्फ, ठीक है। तो तरु मतलब पेड़, तो पतले मतलब पतले कमजोर, तो कमजोर पेड़ की, जिस पेड़ की शाखाएं कमजोर हैं, हाँ उस पेड़ पर मत, उस पेड़ की छांव पर मत बैठिए। क्यों? क्योंकि ये जो तरु पतला होता है, ये कमजोर होता है, एक दिन धोखा दे देता है। क्या धोखा देता है? जा दिन बड़ा बयारी, बयारी मतलब हवा, जिस दिन बड़ी हवा चलती है, तेज हवाएं बहती हैं, टूटी तब जड़, जड़ मतलब जड़, तब यह जड़ से ही क्या कर जाता है, यह पतला पेड़, कमजोर पेड़ जड़ से ही उखड़ जाता है। कब जब यह जड़ से उखड़ जाएगा तो आपको छांव कैसे देगा, आपकी रक्षा कैसे करेगा? अब गिरधर जी कहते हैं, छा, छा मतलब छाया, मोटे की कहिए, किसकी छाया में रहिए, मोटे छायादार, जिसके तने मोटे हो, यस उसकी छाया में रहिए। पाती, पाती मतलब लीव्स, पत्तियां, क्यों? उनकी जो पत्तियां भी होंगी अगर वह झड़ जाएंगी, किसकी, इस छायादार वृक्ष की अगर पत्तियां भी, यस इनकी पत्तियां भी अगर झड़ जाएं, तब भी क्या होगा, यह पेड़ के तने, जी इस पेड़ के तने, तब मतलब तब भी इसकी छाया में आपको मिलती रहेगी, क्योंकि इसके तने चौड़े और मोटे हैं, यह छायादार वृक्ष है, पत्तियों के झड़ने के बाद भी आप सुरक्षित रहेंगे। क्या पेड़ों से ही सच में कहना चाहते हैं? क्या इसका लेना सिर्फ पेड़ों से ही कवि का है? नहीं, इसका एक गहरा और विशेष अर्थ है, आइए व्याख्या के साथ उसको भी समझते हैं, कवि इसमें क्या कहना चाहते हैं। तो गिरधर जी कहते हैं कि चाहे किसी भी, यस चाहे किसी भी स्थिति में जीवन व्यतीत करना पड़े तो करो, परंतु उस पेड़ की छाया में कभी न बैठना चाहिए जो पतला और कमजोर हो, यहां क्योंकि वह पेड़ कभी ना कभी आपको अवश्य धोखा देगा। क्यों? जब तेज हवा चलेगी, जब आंधी आएगी, तो पतला पेड़ जड़ से उखड़कर गिर जाएगा, और इसलिए हमें मोटे पेड़ का, यस जिसके तने मोटे हैं, यस जिसके स्टेम्स मोटी हैं, हाँ जो छायादार वृक्ष है, क्योंकि वो आंधी का प्रहार भी सह लेंगे और आपको कभी धोखा नहीं देंगे। आंधी आने पर मोटे पेड़ के पत्ते तो झड़ जाएंगे, पत्ते तो झड़ जाएंगे, परंतु उनका तना, उनका स्टेम, उनकी डालियां सुरक्षित रहेंगी और आप भी उस मजबूत पेड़ की छाया तब भी ग्रहण कर पाएंगे। तो अब क्या सच में ये पेड़ की ही बात कर रहे हैं? क्या इसका कोई गहरा अर्थ नहीं है? हाँ, इसका एक गहरा अर्थ भी है, गहरा अर्थ हम लोग जान लेते हैं। गहरा अर्थ यह है, कभी कहते हैं इसमें कि पेड़ तो एक माध्यम है, हमें सामर्थ्य और बलवान व्यक्ति, हाँ वो जो जो हरा भरा, जो छायादार मजबूत होने वाला पेड़ है, वही है सामर्थ्य और बलवान व्यक्ति है, हमें उसका सहारा लेना चाहिए, कमजोर का, निर्बल का नहीं, क्योंकि निर्बल व्यक्ति तो अपनी ही सुरक्षा नहीं कर सकता है, और नहीं वो, यस और जब वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता तो आप ही कैसे करेगा। और जबकि सबल व्यक्ति, सबल मतलब बलवान, अब बल दोनों तरह का होगा, बाहुबल मतलब भुजाओं का बल और धन दौलत वाला बल, तो जो सामर्थ्यवान व्यक्ति होगा बाहुबल से भी मजबूत होगा, यस वह व्यक्ति न सिर्फ आपको सुरक्षित रखेगा बल्कि अपने भी, यस आप उसकी शरण में आए आपकी रक्षा कर पाएगा। क्या आप इस बात से सहमत है कि नहीं है? हाँ, मैंने कहा गिरधर दास जी, यस की सारी बातों से आप जरूर सहमत होंगे। हाँ, उनके जो दोहे हैं, उनकी जो कुंडलियां हैं, वह यस आम जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ से बनी हुई है। चलिए अगली कुंडली पढ़ते हैं, पानी बाढ़ मर, पानी बाढ़े नाव में, यस अगर आपकी नाव में पानी चढ़ाए, आपके घर में अगर खूब दाम आ जाए, दाम मतलब यहाँ पे दौलत है, हाँ अगर आपके पास खूब धन दौलत आ जाए तो क्या करना चाहिए? यस खूब धन दौलत आने पर भी दोनों, यस दो मतलब दोनों हाथ उचालिए, उचालना मतलब यहाँ पे निकालना, दोनों हाथ से क्या करना चाहिए, नाव में पानी और घर में दौलत को बाहर निकाल देना चाहिए। क्यों निकाल देना चाहिए? क्योंकि यही समझदार व्यक्ति का, सियानो मतलब होता है इंटेलिजेंट, समझदार, यस एक समझदार व्यक्ति क्या करता है, घर में आई दौलत और नाव पे चढ़े पानी को बाहर निकाल देता है दोनों हाथ से। क्यों सयानों का काम क्यों है? क्योंकि अगर आपने इस वक्त में भगवान का याद, सिमरन मतलब होता है याद, भगवान को अगर आपने समय याद न किया, अपने ऊपर गर्व किया, घमंड किया, यस जिस भगवान ने आपको धन दौलत दी है उस समय आपने उसको याद नहीं किया, और परमार्थ के भले में अर्थात दूसरों की भलाई में, परमार्थ मतलब भलाई, यस परोपकार कहते हैं ना लोग, तो इस धन दौलत को कहां लगाना है आपको, जब धन दौलत घर में हो तो आप धन दौलत को दूसरों की भलाई में लगाइए और अपने शीश को, अपने सिर को आगे धर दीजिए। शीश धरना मतलब सिर कटा देना भी है, अर्थात अपना बलिदान करना भी है, और एक गहरा अर्थ भी है, आप अपने सिर को झुका के रखिए, घमंड में अपना सीना या सर तान के मत रखिएगा, घमंड मत करिएगा उस समय जब आपके पास खूब धन दौलत निकलते हैं। तो गिरधर जी क्या कहते हैं कि जितने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने यही अपनी बानी दी है, यही शब्द कहा है, चलिए चाल सुचाल, अपने चाल चलन, अपनी यस अपना करेक्टर अच्छा रखिए, सही मार्ग पे चलिए, सब मार्ग पे चलिए, राखिए अपना पानी, यहां पर पानी, यहां पानी क्या पीने वाले पानी की बात कर रहे हैं? नहीं, यहां पर पानी मतलब है सम्मान। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मान, आपका सम्मान बना रहे, तो आप अच्छे मार्ग पे, संग मार्ग पे चलिए, चरित्र अच्छा रखिए, क्योंकि आपने सुना होगा इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, तो धन दौलत से भी बड़ा चीज करेक्टर है, यस योर करेक्टर इन लाइफ है, आप इसे सहमत होंगे। आइए अब इस व्याख्या को गहराई से यस बुकिश टर्म में देखते हैं। तो इस कुंडली में परोपकार पर महत्व, परोपकार मतलब दूसरों का भला, यस पर उपकार दो शब्द से मिला है, दूसरों का भला, तो यस नाव में पानी भर जाए और घर में बहुत धन आ जाए तो क्या करना चाहिए, दोनों हाथों से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि नाव पानी भर जाएगा तो नाव डूब जाएगी, यस नाव डूब जाएगी और घर में भी पानी आ जाएगा तो घर में भी क्या होगा, क्लेश पैदा होगा, झगड़े पैदा होंगे, तो इस तरह से क्या करना चाहिए, घर में आए धन को परोपकार में लगाना चाहिए, जी खोल करके दूसरों की सहायता करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, यही सबसे बुद्धिमान का काम है, और ईश्वर को, प्रभु को याद करना चाहिए जब आपके पास धन दौलत हो, क्योंकि परोपकार करते समय अगर आपको अपना बलिदान देना पड़े, शीश धर देना चाहिए, यस अपना सर झुका देना चाहिए, अपना बलिदान करना, सब कुछ त्यागने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो गिरधर दास जी कहते हैं, गिरधर कविराज जी कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग ने हमें यही सीख दी है, शिक्षा दी है कि हमें अच्छे ढंग से, यस सुचाल अच्छे ढंग से जीवन यापन करना चाहिए, सही मार्ग पर चलना चाहिए, गलत रास्ते पर, तभी आपका मान बचा रहेगा, आपका सम्मान बचा रहेगा। क्यों? क्योंकि केवल सही मार्ग पर चलने वाले ही अपने सम्मान की रक्षा कर सकते हैं। जरूर आप यस इस बातों से सहमत होंगे, क्योंकि ये डे टू डे आपके जीवन से जुड़ी बातें हैं। आइए आखिरी
आइए लास्ट कुंडली के बारे में पढ़ते हैं। राजा के दरबार में जय समया पाए, जय जय मतलब जाना। तो अगर राजा के दरबार में आपको जाना पड़े तो आप समय पे जाइए। समय मतलब टाइम पर, पंक्चुअल, यस, समय पर पहुंचिए, क्योंकि समय न आने पर, समय पे न आने पर हाँ आप पर कार्रवाई की जा सकती है। क्या यार राजा से मतलब क्या आज तो राजा है नहीं, क्या उसी से मतलब है? नहीं, यहां पर किसी बड़े व्यक्ति से मतलब है, किसी बड़े पुलिस ऑफिसर से मतलब। फॉर एग्जांपल कभी आप डीएम के ऑफिस में जा रहे हैं तो आप समय से पहुंचिए, आपने जो समय दिया है वहां उस पे जाइए। क्यों? साईं कहां ना बैठिए, आप उस जगह पे मत बैठिए जहां कोई मतलब होता है कोई देर उठाए, जहां कोई आपको क्या कह दे, अरे यहां क्यों बैठे हो, उठो उठो उठो। तो यहां से अगर कोई आपको उठा देगा तो भी आपकी क्या हो जाएगी, आपकी इज्जत की बिक्री हो जाएगी, है ना, पोपट हो जाएगा। तो जहां कोई देर उठाए, जहां कोई आपको उठा दे तो आपकी इज्जत चली जाएगी। इसीलिए अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपने यस अपने पोजीशन के हिसाब से अपनी जगह पर बैठिए और बोले अनबोले रहिए, कोशिश करिए कम बोलिए वहां पर। हाँ, यही व्यवहार कुशलता है। और क्या करिए, हंसिए नहीं हंसाए, सॉरी हंसिए नहीं हहाए, अर्थात जोर से ठहाका मार के मत हंसिए। कहां पर? राजा के दरबार पर, बड़ों के बीच में। और बात पूछे तक कहिए, अगर आपसे कुछ कोई पूछे तो जरूर उसका जवाब दीजिए, बेवजह फालतू की बातें वहां न करिए, ताकि आप कुशल व्यवहार कर पाए। तो गिरधर दास जी कहते हैं, कभी गिरधर राय जी कहते हैं, समय सो कीजिए काजा, समय सो कीजिए मतलब समय पर ही अपने कार्य पूरे होते हैं, अर्थात समय के हिसाब से ही चीजें पूरी होती हैं। बहुत आतुर होने की, बहुत व्याकुल होने की यस कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुरी अनखय राजा, क्योंकि राजा के दरबार में अनेक नियम होते हैं, आपको उनके नियमों के असर के अनुसार कार्य करना चाहिए। आप ये नियम यस अपने स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में भी देखते होंगे, आप बेवजह जाकर के वहां हंसेंगे, जोर जोर से बातें करेंगे, शायद आपकी बात न सुनी जाए। हाँ, आप बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं जब आप अपने किसी प्रिंसिपल के यस या वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में रहते हैं, तो बहुत ही कंट्रोल डिसिप्लिन में रहते हैं। हाँ, फालतू बात नहीं करते, डिसिप्लिन में रहते हैं, होता है ना आपके साथ? जरूर बताइएगा मुझे अगर ऐसा ही यही व्यवहार हम भी करते हैं। ये व्यवहार कुशलता है, इट इज हाउ वन वन शुड बिहेव व्हेन दे आर इन प्रेजेंस ऑफ सम डिग्निटरी। चलिए, तो राजा के दरबार में अवसर पाकर ही जाना चाहिए, समय पर ही जाना चाहिए। एक बात का ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, कि हमें अपनी हैसियत देख करके अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी ऐसे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए जो हमारे स्तर का, हमारे हैसियत का अनुकूल ना हो, क्योंकि ऐसा क्या होगा, ऐसे स्थान पर बैठने पर कोई हमें वहां से उठा सकता है, और अगर कोई उठाता है आपको बैठे हुए सीट पे तो आपका अपमान है। जी, याद रखिएगा, नीचे भी नहीं बैठने के लिए कह रहा है, आपकी हैसियत के अनुकूल, यस हिंदी वर्ड बोले तो आपके औकात के यस बराबर बैठना है। और कभी कहते हैं कि ऐसी स्थिति आने पर चुप ही रहिए, राजा के दरबार में है तो क्या करना है, चुप ही रहना चाहिए। हमें बोलते समय और बात करें तो संयम से बात करें, अनावश्यक अर्थात बेवजह जोर जोर से हंसना भी नहीं है। इसीलिए वाले कहा था हाय, हाँ बहुत जोर जोर से हंसना नहीं चाहिए, माना जाता है, और हमसे जब तक पूछा ना जाए तब तक कोई उत्तर भी नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही व्यवहार की कुशलता है, दिस इज हाउ यू शुड बिहेव क्लेवरली इन प्रेजेंस ऑफ अ डिग्निटरी, ताकि आप उनकी नजरों में भी अच्छे बने रहें। और क्या ध्यान देना है, देखिए प्रैक्टिकल एग्जांपल है उनका, हमें प्रत्येक कार्य समय पर करना चाहिए, जो टाइम दिया गया है उसी टाइम पे करिए, क्योंकि समय पे जो कार्य पूरे होते हैं वो सही लगते हैं। बहुत उतावला होना, बहुत ज्यादा आतुर हो जाने पर भी क्या होगा, यस बात गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक कार्य उचित समय पे ही होते हैं। और कवि का कहना है कि हम जब राजदरबार के नियमों में रहें, राजदरबार में जाएं, तो राजदरबार के नियमों का पालन करें। स्टार्ट करते हैं इनके कवि परिचय से। तो रामधारी दिनकर सिंह जी का जन्म 1908 30 सितंबर 1908 में बिहार के मुंगेर जिले में, जी मुंगेर एक छोटा सा जिला है बिहार में, हाँ वहां के सिमरिया गांव में एक किसान के परिवार में, कृषक परिवार में हुआ है। और क्लास 10th में, मैट्रिक को 10th बोलते हैं, 10th में सर्वाधिक अंक आने पर इन्हें भूदेव स्वर्ण पदक मिला, और 1950 में इन्हें हिंदी विभाग का अध्यक्ष बनाया गया एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में, और ये राज्यसभा के भी सदस्य रहे, और इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। 1974 में इनका निधन हो गया। दिनकर जी ने गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी। इनके काव्य उर्वशी, ध्यान से रखिएगा नाम उर्वशी, पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, रसवंती, रश्मिरथी, पशुराम की प्रतीक्षा इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। हाँ, जो हम कविता करने जा रहे हैं, स्वर बना सकते हैं, वह कुरुक्षेत्र से ली गई एक हिस्सा है इसका। भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय यह इनका प्रमुख गद्य भी रचना है। दिनकर जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता की गूंज मिलती है। आइए समझते हैं पैसेज को डिटेल में। तो धर्मराज, यह भूमि किसी की नहीं, क्रीट है दासी। तो कहां से शुरुआत हो रही है, देखिए युधिष्ठिर जिनको धर्मराज कहा गया है, जी धर्मराज मतलब युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर महाभारत के खत्म हो जाने पर, महाभारत के समाप्ति हो जाने पर पहुंचते हैं भीष्म पितामह जी के पास। युधिष्ठिर कौन है, जी धर्मराज युधिष्ठिर 5 पांडवों में सबसे बड़े हैं। तो यह पहुंचते हैं किसके पास, भीष्म पितामह जी के पास। भीष्म पितामह एक तरह से इनके दादाजी हुए, जी कुरु वंश के आखिरी राजा, आखिरी वंश थे भीष्म पितामह जी, जिन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा भी ली थी कि वह विवाह नहीं करेंगे। तो धर्मराज अर्थात युधिष्ठिर पहुंचते हैं भीष्म पितामह जी के पास, अपने दादाजी के पास, महाभारत के युद्ध के खत्म होने पर। और भीष्म पितामह इस समय शैया पर हैं, यस, जिसमें तीर लगे हुए उनके सारे शरीर को, और उसमें शैया पर लेटे हुए हैं, और यह उनका आखिरी उपदेश है युधिष्ठिर को। तो उपदेश कैसे इस धरती को, यस, युधिष्ठिर स्वर्ग बना सकते हैं अपने राज्य को, इस पर है। तो युधिष्ठिर को कह रहे हैं, धर्मराज यह भूमि किसी की क्रीत मतलब होता है खरीदी हुई, जी किसी की खरीदी हुई, यह धरती किसी की खरीदी हुई, यस दासी नहीं है, गुलाम नहीं है। और
है जन्मना, जन्मना मतलब जन्म से, यस, यहां जो भी जन्मेगा हमारे जन्म लेते ही यहां पर हमें क्या मिलेगा, परस्पर मतलब बराबर, यस, समान परस्पर इसके सभी निवासी, और सभी इसमें निवास करने वाले निवासी बराबर हैं, जिन्होंने इस पे जन्म लिया है उन सबका बराबर अधिकार है। आइए, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, और जो इस धरती पर जन्म लेता है उसे प्रकाश, उसे मुक्त समीर, समीरण मतलब हवा, उसे मुक्त हवा, यस, यह मिलना चाहिए। तो प्रकाश जो सूरज की रोशनी है वह, और मुक्त और स्वच्छ हवा मिलनी चाहिए, और क्या मिलना चाहिए, बाधा रहित विकास, उसका उनका विकास हो, उनकी प्रगति हो, और उन प्रगति में कोई अवरोध ना आए, यस, कोई रुकावट ना आए, यस, बाधा मतलब अवरोध, यहां कोई तरह का रुकावट, तो किसी भी तरह के रुकावट, यस, व्यक्ति के विकास में ना हो, मुक्त अर्थात फ्री फ्रॉम, मुक्त आकांक्षाओं से जीवन, किसी भी तरह की आकांक्षाओं से, परेशानियों से, झंझावट से जीवन क्या हो, मुक्त हो। अगर आपको यस इसका एक्सप्लेनेशन बुकिश टर्म में भी चाहिए तो मैं स्क्रीन आपको अप कर देता हूं, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर यस अपने पास सेव कर सकते हैं, यस, स्क्रीनशॉट में इसी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। चलिए सेकंड पैराग्राफ की तरफ, यस, अगले मैसेज में आ जाते हैं। लेकिन विघ्न है अनेक अभी, देखा यहां पे, यस, यहां पे भीष्म पितामह जी ने इस पे क्या लगा दिया, प्रश्न चिन्ह लगा दिया, लेकिन लगा दिया, विघ्न मतलब परेशानी, यस, विघ्न मतलब बाधा, जो भी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, कहा था ना कि जीवन के लिए बाधा नहीं चाहिए, पर उन्होंने बताया कि हमारे जीवन में अनेक बाधा आ रही है, बाधा अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए मतलब इस रास्ते में आकर के बाधाएं पड़ी हुई है, और मानवता, यस, हम जो मानव हैं इसे क्या कर रहे हैं, इस बाधाओं को लगाकर रोक कर रखे हुए हैं, और वह पर्वत की तरह हमारे रास्ते को रोके हुई है, हमारे विकास के, हमारे उन्नति के, हाँ, हमारे सुख समृद्धि के रास्ते में ये बाधाएं हैं। बाधा कैसी है, बाधा है, यस, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, विद्वेष की भाषा है, यस, विद्वेष, जलन, ईर्ष्या, जाति पाति के नाम पर, यस, संगठन के नाम पर एक दूसरे से झगड़ा है, झगड़े, लड़ाई, फसाद की क्या है, बाधा है। तो न्यायोचित, न्याय के अनुसार उचित, अगर सुख सुलभ हो, सुलभ मतलब होता है आसानी से प्राप्त हो, यस, अगर सबको न्याय मिले, आसानी से न्याय मिले, और मानव मानव को, यस, हर एक मानव, प्रत्येक मानव तक यह आसानी से उपलब्ध हो जाए, चैन, यस, अर्थात सब तरफ खुशी, चैन कहां धरती पर, तब तक, और तब तक धरती पर चैन नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगी, यस, अमन नहीं रहेगा, जब तक यह भव, यह धरती में सबको न्याय के अनुसार उचित, यस, न्याय के साथ उचित उनके साथ व्यवहार नहीं होगा इस धरती पर। इसीलिए धरती पर सबको क्या चाहिए, बराबरी चाहिए, सबको न्याय चाहिए, बराबर सम्मान चाहिए। आइए इसका अर्थ आप अब देख सकते हैं, मैं स्क्रीन ऊपर कर रहा हूं, आप चाहें तो इसका डिस्क्रिप्शन पर, यह स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट लेकर इसे अपने शब्दों में देख सकते हैं। चल आगे बढ़ जाते हैं तीसरे पैराग्राफ की तरफ। जब तक मनुज, मनुज अर्थात मनुष्य, मनुष्य मतलब मनुष्य को सुख भाग सम, सम मतलब होता है इक्वल, बराबर, समान, यस, सबको क्या ना मिले, समान सुख मिले, बराबर सुख मिले, एक को ज्यादा एक को कम नहीं होना चाहिए, तो सबको समान सुख न मिले, शामित न होगा कोलाहल, शामित मतलब वैसे शांत होता है, हाँ, ठंडा पड़ जाना भी कह सकते हैं, और वैसे शांत होना, क्या नहीं शांत हो पाएगा, कोलाहल अर्थात शोर शराबा अर्थात चीख चिल्लाहट, है ना, जब बहुत ज्यादा शोर होगा उसे हम लोग कहते हैं कोलाहल, यहाँ पर कोलाहल का मतलब लड़ाई झगड़े से भी है, है ना, कोलाहल का मतलब है परेशानियों से भी है, संघर्ष से भी है, और संघर्ष का मतलब तो आप जानते हैं लड़ाई झगड़ा, तब तक लड़ाई झगड़े कम नहीं होंगे जब तक सबको बराबर अर्थात सम, जी, सबको उस बराबर क्या हो, अधिकार न मिले, सबका सुख सारे मनुष्यों को इक्वली बांट न दिया जाए, बराबर न बांट दिया जाए, तो इसे भूलकर, यस, उसे भूलकर वर फंसा परस्पर, परस्पर मतलब एक दूसरे से ही शंका में, भय में, तो मनुष्य मनुष्य के ही भय में है, शंका में है, यस, एक तरह का डर बसा हुआ है एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से, यस, मनुष्य मनुष्य से डर रहा है, एक दूसरे के प्रति शंका और डर की भावना से एक दूसरे की ओर देख रहा है, लगा हुआ है और क्या कर रहा है, और कुछ मनुष्य लगे हुए हैं सिर्फ अपने में, सिर्फ खुद के, यस, खुद के भोग संचय करने में, खुद के धन एकत्रित करने में, कैसे मैं और लाभ अर्जित कर सकूं, कैसे और मैं धन दौलत, यस, कैसे मैं और धन दौलत एकत्रित कर सकूं, जिसकी वजह से किसी न किसी का क्या हो रहा है, भाग हम छीन ले रहे हैं, ऐसा धन दौलत अधिक एकत्रित करने के चक्कर में, और इसी से क्या हो रहा है, इसी से हो रही है समाज में द्वेष, समाज में असमानता, समाज में झगड़े हो रहे हैं। आइए अब इस पैराग्राफ का भी, यस, एक्सप्लेनेशन हिंदी में आपको दिखा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके पास, यस, इजी हो जाएगा। तो संसार में स्वार्थ बढ़ जाने की वजह से संघर्ष बढ़ रहा है, समान अधिकार न मिलने की वजह से भी संघर्ष बढ़ रहा है। आइए अंतिम पैराग्राफ की तरफ बढ़ जाते हैं, और यह पैराग्राफ मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रिय है, आसान है, और मुझे लगता है कविता का जो सारा कहते हैं ना समाधान जो है कि संसार को स्वर्ग कैसे बनाए, इसमें दिया हुआ है। आइए इसको ध्यान से देखते हैं। तो ईश्वर ने, प्रभु ने, प्रभु के दिए हुए सुख इतने विकीर्ण, विकीर्ण मतलब होता है फैले हुए हैं, अर्थात हमें धरती पर जो सुख साधन है वो इतने फैले हुए हैं, है ना, इतने ज्यादा है कि भोग सके, यस, ये जो सुख साधन जो फैले हुए हैं भोग सके उन्हें जगत में, अर्थात उसका प्रयोग कर सके, कहां अभी इतने नर, अर्थात धरती में जितने नर नहीं हैं उससे ज्यादा धरती में सुख साधन हमें ईश्वर ने प्रदान कर दिए हैं, धरती में चारों तरफ फैला दिए हैं, फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी उसके लिए संघर्ष हो रहा है, असमानता हो रही है, कोई ज्यादा, यस, धन अर्जित कर रहा है, भोग विलास कर रहा है, और किसी को खाने तक का नहीं है, आपने तो समाज में देखा ही होगा। तो सब हो तुष्ट, तुष्ट मतलब यहां पर है संतुष्ट, क्या करना है, सबको संतुष्ट करना है, याद रखिएगा ये सारी, यस, उपदेश कौन दे रहा है, यह सारा उपदेश भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर को दे रहे हैं, धर्मराज युधिष्ठिर को, अर्थात युधिष्ठिर जी को हमेशा धर्मराज माना गया है, क्योंकि सब कभी झूठ न बोलने वाले, हमेशा सच के मार्ग पर चलने वाले हैं युधिष्ठिर, तो इसलिए वो राजा बनने जा रहे हैं वापस, यस, इंद्रप्रस्थ के, इसीलिए उनको उपदेश दिया जा रहा है। तो हे युधिष्ठिर, सबको क्या करें, संतुष्ट करें, एक सा सुख सब पा सके,
सबको बराबर क्या मिले, सुख का हिस्सा मिले, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा, धरती क्या बन जाएगी, स्वर्ग बन जाएगी। सोहन लाल द्विवेदी जी के दर्शन, और ये रही यह जन्मभूमि मेरी। आइए आगे जानते हैं। तो पहले कवि परिचय सोहन लाल द्विवेदी जी का। सोहन लाल द्विवेदी जी का जन्म 1905 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर नामक जिले में हुआ है। यह एक संपन्न परिवार, अचार्तिक रिच किसान फैमिली को बिलोंग करते थे, और सेवाग्राम, भैरवी, जय भारत जय आदि इनकी कविताएं संकलित हैं। इनके कुछ लेख हैं, कुणाल ऐतिहासिक आधार पर लिखा गया एक प्रबंध काव्य है, और इनकी कुछ रचनाएं हैं वास, वदता और विश्वपान। यस, यह इनके आख्यान काव्य हैं। श्री सोहनलाल द्विवेदी जी ने बहुत ही बालोपयोगी अर्थात बालकों के लिए उपयोगी, बच्चों के लिए उपयोगी कविताएं लिखी हैं, जिनमें दूध बताशा, जो कि नाम से समझ में आ रहा है, बाल भारती, बांसुरी और झरना, बच्चों के बापू, शिशु भारती, हसो हसाओ, चाचा नेहरू आदि बालोपयोग काव्य रचनाएं हैं। और द्विवेदी जी की भाषा सरस और ओजपूर्ण है, और 1988 में इनका निधन हुआ। आइए शुरुआत करते हैं पहले पैराग्राफ से द्विवेदी जी की रचना वह जन्मभूमि। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो जन्मभूमि और मातृभूमि में क्या अंतर है, सुनने में तो एक जैसे लग रही है। तो जहां हम जन्म लेते हैं वह हमारी जन्मभूमि हो जाती है, और मातृभूमि क्यों, क्योंकि हम इस भूमि को, यस, इस धरती को माँ की तरह, यस, माँ की तरह पूजते हैं, और यह धरती भी हमें अपने पुत्र की तरह, यस, पालती है, हमें सारी सुख संपदाएं देती है, इसीलिए यह हमारी माता के समान है, मातृभूमि है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता। तो हमारी भारत भूमि का अगर आप मैप ध्यान रखेंगे, ये पूरी प्राकृतिक शोभा है हमारी भारत भूमि की इस पैराग्राफ में। और श्री सोहनलाल द्विवेदी जी बताना चाहते हैं कि हिमालय जो कि उत्तर में स्थित है, उत्तर नॉर्थ में स्थित है, वह आकाश को चूमता है, इतना ऊंचा है कि ऐसा लगता है कि मानो आकाश चूम रहा है। और भारत के दक्षिण में, यस, दक्षिण में है हिंद महासागर, इसीलिए नीचे चरण, हमारी भारत भूमि के नीचे उसके चरण पर, यस, हिंद महासागर है दक्षिण में, और वह नित सिंधु झूमता, और ऐसा लगता है कि वो भारत भूमि के चरण पखार रहा है, हाँ, चरण धो रहा है। और प्राकृतिक शोभा क्या है, हमारे यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती, इन नदियों के संगम को कहते हैं त्रिवेणी। आप जानते हैं इलाहाबाद में है, यहाँ ये तीनों नदियां मिलती हैं, और इन नदियों में लहरें उठती हैं, और हमारी भारत भूमि की छटा बहुत निराली, अर्थात यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही मन को मोहने वाला है, और पग पग पर अर्थात कदम कदम पर इसकी शोभा मोहित करती है, हमें हमारे मन में अनेक तरंगे पैदा करती हैं। तो अब कवि सोहनलाल जी यह कह रहे हैं, यह पुण्य भूमि मेरी। तो पुण्य भूमि क्यों, क्योंकि जिस धरती में अनेक प्राकृतिक संपदाएं हैं, खूबसूरत नजारे हैं, इस तरह से नदियां हैं, आकाश को चूमते हिमालय पर्वत हैं, तो यह भूमि पुण्य, यस, यह भूमि पुण्य भूमि है। भारत भूमि को स्वर्ण भूमि क्यों कहा, क्योंकि पहले ही भारत सोने की चिड़िया की तरह जानी जाती थी, और अब भी भारत भूमि की जो मिट्टी है वह उपजाऊ है, उर्वरा है, अर्थात यहां पर फसलें सोने की तरह लहलाती हैं, तो यह स्वर्ण भूमि है मेरी। और जन्मभूमि तो बताई दिया, क्योंकि इसमें हमारा जन्म हुआ है, और मातृभूमि इसलिए क्योंकि हम इस भूमि को माँ की तरह वंदना करते हैं, और यह भूमि हमारा देखभाल करती है पुत्र की तरह। आइए अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको इस एक्सप्लेनेशन को चाहिए तो आप चाहें तो पॉज कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। यह जो एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपसे डिस्कस किया, ये रहा सेकंड पैराग्राफ में। अनेक झरने, झरने अनेक झरते, तो हमारी भारत भूमि की प्राकृतिक शोभा में अनेक झरने पाए जाते हैं। हमारे यहाँ अनेक पहाड़ियां हैं, और इन पहाड़ियों में झरने, अनेक झरने हैं। और क्या मिलता है यहाँ पर, चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में, और पहाड़ों की, यस, पहाड़ों की झाड़ियों में चिड़ियाएं मस्त होकर के मौज में क्या कर रही है, चहक रही हैं। आम के, यस, अमराइयां घनी, अर्थात घनी मतलब होता है बहुत सारी। यहाँ पर आम के बाग अनेक पाए जाते हैं, घने आम के बाग पाए जाते हैं, और उनमें जब आम की बौर निकलती है बसंत के महीने में, तब यहाँ पर कोयल कूपती हैं, पुकारती हैं, और बहती मलय पवन है, तनमन संवारती है, और मलयाचल पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा, पवन मतलब हवा और मलय मतलब सुगंधित, तो सुगंधित हवा हमारे तन मन को प्रसन्नित कर देती है। यह धर्म भूमि मेरी, यह कर्म भूमि मेरी। अब आगे श्री कवि कहते हैं कि यह हमारी धर्म भूमि है, क्योंकि भारत में अनेक धर्मों ने जन्म लिया है, और यहाँ धर्म प्रायण व्यक्ति हैं, धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति हैं। यह कर्म भूमि भी मेरी है, क्योंकि यह भूमि हमें सत्कर्म करने के लिए, अपने कर्म में सतत प्रयासरत रहने की हमें प्रेरणा देती है, इसीलिए यह कर्म भूमि भी मेरी है। आइए इस व्याख्या को अगर आप बुकिश टर्म में समझना चाहते हैं तो मैं स्क्रीन को अप कर देता हूं, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं, और पॉज करके भी चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। चलिए थर्ड और लास्ट पैराग्राफ की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आइए तीसरा और अंतिम पैराग्राफ क्विकली इसको खत्म करते हैं। देखें पहले दो पैराग्राफ में तो आपने देखा कि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी प्राकृतिक शोभा की, सुंदरता की वर्णन कर रहे थे। अब हमारे देश में जन्मे महापुरुषों की वर्णन करते हैं। तो जन्मे थे, यस, हमें गर्व है इस बात का कि हमारे देश में श्री राम अर्थात रघु कुल के श्री राम ने जन्म लिया था, भगवान श्री राम ने जन्म लिया था, जिन्होंने, यस, वनवास झेलकर भी 14 वर्ष का वनवास झेलकर रावण और अनेक दुष्ट राक्षसों का वध किया। यहीं पर ही माता सीता ने जन्म लिया, यस,
माता सीता, जनक नंदिनी माता सीता ने जन्म लिया और हमारे ही इस भारत भूमि में श्री कृष्ण ने वंशी बजाई और पवित्र पुनीत अर्थात पवित्र पवित्र गीता की रचना हुई। आपको ध्यान होगा कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने अपने ही परिवार वालों पर अस्त्र शस्त्र उठाने से मना कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने विकराल रूप धारण कर एक बड़ा विशाल सा रूप धारण कर उन्हें गीता का उपदेश दिया, धर्म के बारे में महत्व बताया और युद्ध करने के लिए, बुराई के खिलाफ युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। यह सब आप जानते हैं। और भगवान गौतम ने भी हमारे भारत में जन्म लेकर हमारे भारत का मान बढ़ाया, यश बढ़ाया, सु यश मतलब पॉपुलैरिटी बढ़ाई। और क्या किया भगवान बुद्ध ने, जग को दया सिखाई। भगवान बुद्ध ने दया और अहिंसा का पाठ पढ़ाया और पूरे भारत को, और अपितु भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को दिया, यहां पर दिया शब्द है दीपक, किसका दीपक, यस धर्म का, दया का दीपक प्रकाशित किया, पूरे विश्व में अहिंसा का मार्ग फैलाया। और इसीलिए आज भी यस बुद्ध जो धर्म है वह सिर्फ भारत में ही नहीं है बल्कि आसपास अनेक देशों में है। तो अंत में कवि कहते हैं यह युद्ध भूमि मेरी, युद्ध भूमि क्यों, क्योंकि भारत युद्ध लड़ने से कभी पीछे नहीं रहा। याद रखिएगा हमने किसी पर कभी युद्ध नहीं किया, पर जिसने हम पर युद्ध किया हमने उसे छोड़ा भी नहीं। और यह बुद्ध भूमि क्यों कहा, क्योंकि भारत में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। और यह पंक्ति तो हर पैराग्राफ में रिपीट होती है, यह जन्मभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अब अंतिम पैराग्राफ को भी मैं आपके लिए समर्पित कर रहा हूं, आप इसकी व्याख्या को पढ़ें, स्वयं देखें और पॉज कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। सो मेघ आई, मेघ हाँ बादल, इस कविता में दामाद ने, यह पूरी कविता प्रकृति के मानवीकरण पर है। आइए पूरी कविता को समझते हैं जल्दी से। तो प्रस्तुत काव्यांश मेघ आए, कविता से जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, आप इनका तस्वीर भी देख पा रहे होंगे, और प्रस्तुत कविता चित्रात्मक कविता है। हाँ आप पूरी कविता को इमेजिन कर सकते हैं, इसके मन में आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि कैसा वातावरण होगा। इस कविता में मेघों के आने का बड़ा ही सुंदर चित्रात्मक वर्णन किया गया है। मेघ का आना, हवा का चलना, बयार मतलब हवा होता है, पेड़ों का गर्दन उचकाना, हाँ जैसे लगता है मानो पेड़ क्या कर रहे हैं, उचक करके क्या कर रहे हैं, हाँ मेघों का, मेघों को देखना चाहते हैं, नदी का टिटकना, हाँ थोड़ा शर्मा जाना, पीपल का उसका स्वागत करना, तालाब का हर्षित होना आदि बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ है। मेघ की तुलना शहरी दामाद के रूप में की गई है, हाँ जिसके गांव के आगमन से सारे गांव में हलचल मच गई है, तभी उसे देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, पत्नी उल्हाना देती है और भ्रम दूर होने पर मिलन के आंसू, मिश्रण के अश्रु आदि से कविता का अत्यंत सजीव हो जुटती है। आइए एक एक पैराग्राफ को समझते हैं लाइन बाय लाइन और जानते हैं क्या कहना चाहते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। मेघ आए बड़े बंठन के, तो मेघ हमने जिक्र कर दिया, मेघ तो वैसे बादल होते हैं पर इसमें यहां पर आप देखेंगे मेघ कौन है, शहर से आए दामाद। अब शहर से दामाद क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्नी गांव आ गई है, तो इसीलिए इसी वर्णन को समझाने के लिए मेघ आए बड़े बंठन के, तो जब दामाद आते हैं तो बहुत संसवर के आते हैं, हाँ भाई ससुराल जा रहे हैं अपने, तो आगे नाचते आगे नाचती गाती, और जब दामाद आते हैं गांव में तो हवा जो होती है, यहां पर मैंने कहा था प्रकृति का मानवकरण है, हवा यहां पर गांव के बच्चे हैं और उनकी सालियां हैं जी, गांव की जो लड़कियां हैं, यस क्योंकि गांव में सब संपूर्ण परिवार के रहते हैं, है ना, तो गांव के बच्चे और उनकी सालियां ये सब बयार के रूप में है। जैसे जीजा जी आने लगते हैं तो वह उनके स्वागत में क्या करने लगती है, दौड़ने लगती है, सबको उनका संदेश देने लगती है, उसी प्रकार हवा, बयार मतलब हवा होता है, बादलों के आने पर क्या करने लगती है, तेज बहने लगती है, और क्या होता है दरवाजे खिड़कियां खुलने लगती है हर घर में हर गली में, और क्या लगता है पाहुन, पाहुन मतलब अगेन मेहमान या अतिथि, तो क्योंकि गांव में कौन आ गया है, क्योंकि यह अतिथि दामाद तो एक घर का होता है पर पूरे गांव का यह क्या होता है अतिथि होता है, तो पूरे गांव में कौन आ गए हैं, पूरे गांव के लिए अतिथि आ गए हैं शहर से, तो मेघ आए बड़े बंठन के। आइए भावार्थ को एक एक पंक्ति को समझते हैं। तो कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन पर, वर्षा ऋतु के आने पर गांव में दिखाई देने वाला उत्साह का चित्रण किया है। कवि ने यहां बादलों का मानवीकरण करके उसे एक दामाद के, यस शहर से आए एक अतिथि के रूप में दिखाया है। जिस प्रकार कोई दामाद बड़ा ही सज धज कर बड़ा ही बंठन कर अपने ससुराल जाता है, ठीक उसी प्रकार मेघ भी बड़े बंठन कर सुंदर वेशभूषा धारण कर आए हैं, हाँ जैसे कि किसी मेहमान के आने पर गांव का उनका संदेश, गांव के बच्चे उनकी सालियां आगे आगे दौड़कर पूरे गांव में फैला देती हैं, ठीक उसी प्रकार हवा भी आगे आगे नाचती हुई पूरे गांव को सूचना दे रही है कि गांव में बादल आ गए हैं, बादल रूपी मेहमान आ गए हैं। यह सूचना पाकर गांव के सभी लोग अपने खिड़की दरवाजे खोलकर उसे देखने और यहां उसे निहारने के लिए बड़ी बेताबी से घर के बाहर जाने लगते हैं। तो आप देखेंगे पूरी कविता ऐसा लगेगा जैसे गांव में आए दामाद का दृश्य है। आगे के पैराग्राफ में देखेंगे कि पेड़, पेड़ कौन है, गांव के लोग जी, पेड़ यहां पे भी क्या है, गांव के लोग हैं, तो पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, तो जैसे आसमान में बादल आ जाते हैं हवाओं के चलने से पेड़ झुकने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार कभी कहते हैं कि आसमान में बादल छाने आंधी और धूल ऐसे उड़ने लगती है मानो गांव की औरतें घाघरा उठाए दौड़ रही हैं, उसका वर्णन यहां पर है। देखिए आंधी चली तो जब हवा चलती है तो आंधी आती है, धूल कौन है, धूल गांव की स्त्रियां, गांव की लड़कियां, यस ये वो लड़कियां हैं जो अपना घाघरा उठाकर जी हवा से बचते हुए क्या कर रही हैं, भाग रही हैं, ये भी एक मानवीकरण है जी, गांव की लड़कियां। अब बाकी चितवन उठा, चितवन तो दृष्टि होती है, बाकी मतलब होता है तिरछी, बाकी मतलब तिरछी,
नदी गांव की बहू है, जी गांव की बहू है नदी। तो गांव की बहू को जब पता चलता है कि मेहमान आने वाले हैं तो वह भी क्या करती है, तिरछी निगाहों से घूंघट को हल्का सा सरकाकर, हाँ नदियां भी क्या करने लगती है, नदियां गांव की बहू है तो अपने घूंघट को सरकाकर क्या करने लगती है, दामाद जी को देखने लगती है, क्योंकि दामाद बड़े बंधन के आए हैं। तो हवा के चलने से पेड़ ऐसे झुके हुए प्रतीत होते हैं मानो वे अपनी गर्दन कुचकाकर मेहमान को देखने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिएगा पेड़ गांव के लोग होते हैं, हाँ गांव के जो लोग हैं वो क्या है, पेड़ के समान है। और दूसरी तरफ नदी, नदी कौन है, गांव की बहू है, गांव की औरत है, जो ठिठकती है, थोड़ा शर्माती है, अपने घूंघट को सरकाकर तिरछी नजरों से मेहमान को देखती है। आइए तीसरे पैराग्राफ में जानेंगे कि मेघ का स्वागत कैसे हो रहा है। तो घर में जो सबसे बुजुर्ग होते हैं, हाँ सबसे बुजुर्ग होते हैं, उसी तरह से पीपल का पेड़ भी, हाँ बड़े पुराने पेड़ होते हैं पीपल के, तो बूढ़े पीपल को क्या किया गया, घर के बुजुर्ग से संपर्क किया गया है। यस, आगे बढ़कर जुहार करना, जुहार मतलब होता है स्वागत करना। तो बरस बाद सुधी लीनी बोली अकुलाई लता, लता कौन है, यही प्रेमिका है, यही वो पत्नी है जिसको लेने दामाद जी आए हैं। और यह पत्नी क्या कह रही है, कह रही है कि एक बरस बीत गए अब आप आए हैं, ओट होकर किवाड़ की दरवाजे की ओट से होकर गांव की महिलाएं पुरुषों से बात करती हैं। हाँ उसी प्रकार अरसाया ताल, ताल कौन है यहाँ पर, ताल यहाँ पर वैसे तो तालाब होता है और यहाँ पर क्या है, पत्नी का छोटा भाई है, कह सकते हैं कि साला है, हाँ दामाद जी का साला है, पत्नी का भाई। तो यह तालाब जो है, हाँ यह भी क्या करता है, पानी बारात भर के लाया है, जैसे गांव में मेहमानों के आने पर बारात में पानी भरकर उनका पैर धुलवाते हैं जी इनके स्वागत में, वैसे ही दामाद का पैर धुलाने पत्नी का भाई आया है। तो मेघ आए हैं, दामाद आए हैं, आइए इस पैराग्राफ को देखते हैं। तो जब कोई दामाद बहुत दिनों बाद घर आते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग उन्हें झुककर सम्मान पूर्वक प्रणाम करते हैं। इसी दौरान उसकी जीवन संगनी अर्थात पत्नी हठपूर्वक गुस्सा होकर दरवाजे के पीछे छुपकर कहती है, क्या कहती है, देखिए आपने इतने दिनों से मेरे बारे में कोई सुध अर्थात मेरी कोई खोज खबर क्यों नहीं ली, क्या इतने दिनों बाद आपको मेरी याद आई। तो ये ऐसा लग रहा है कि पत्नी अपने पति से क्या कर रही है, कुछ शिकायत भरी बातों से कह रही है। साथ ही जब हमारे घर में कोई अतिथि आते हैं तो हम उनके पांव धुलाते हैं, हाँ यहां पर पांव धुलाता कौन है, पत्नी का भाई, पत्नी का भाई कौन है, ताल या तालाब। तो तालाब ऐसे लगते हैं मानो वह पराग भर कर आए हैं इनका, यस इनका पैर धुलाने। आइए अंतिम पैराग्राफ, तो सबसे इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, आइए जानते हैं क्या होने वाला है। अटारी, चितिज अटारी, चितिज जहां पे धरती और आकाश मिलते हैं उसे कहते हैं चितिज, अटारी छत को कहते हैं अटारी। तो छत पर जी, अब दामाद जी कहां चले गए हैं, छत पर चले गए हैं, है ना, जैसे लगता है धरती और आकाश जहां मिलते हैं उसे चितिज कहते हैं। तो चितिज में अंधेरा छाया हुआ है, छत पर डांगनी अर्थात बिजली, जी बिजली कड़कना बादल के बरसने का पहले का दृश्य है जी। तो डांगनी अर्थात बिजली, हाँ तो बिजली चमकने लगती है और अब यह पक्का हो जाता है कि अब बारिश तो होके रहेगी। तो बिजली, जी मैं लिख रहा हूं बिजली दमकी, दमकी मतलब चमकी, आसमान में बिजली चमकने लगेगी, यह बिजली इसकी बिजली है या बिजली प्रेमिका के अंदर की प्रेम की बिजली है जी, चमकी, दमकी मतलब चमकी, मैं लिख दे रहा हूं चमकी। हाँ और क्या हुआ, देखिए क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की। तो जो भ्रम था, जो अंधविश्वास था, पत्नी को लग रहा था कि उसका पति नहीं आएगा, भूल चुका है उसे, और उसे लगता है कि उसकी गलती थी, उसका यह भ्रम था और वह अब उसके लिए माफी मांगती है और दोनों के बीच में प्रेम का बांध टूट पड़ता है, दोनों के मिलन के आंसू अश्रु धड़कने लगते हैं। और इसी प्रकार गांव में जब मेघ आते हैं तो चारों तरफ खुशियां छा जाती हैं, आंसू होते हैं पर खुशी के होते हैं। आइए अंतिम पैराग्राफ को समझते हैं। तो उत्पंक्तियों का अर्थ है कि अभी तक प्रेमिका को अपने प्रियतम के आने की खबर का भ्रम लग रहा था, लेकिन जब वो घर आकर छत पर चले जाते हैं तो मानो प्रेमिका के अंदर की बिजली सी दौड़ उठती है, उन्हें प्रेमिका का भ्रम टूट जाता है और वह मनी मन प्रेमी से क्षमा याचना मांगती है और आपसी मिलन की अपार खुशी में दोनों प्रेमियों की आंख प्रेम के आंसू से झरझर करने लगती हैं, बहने लगती हैं। सूर के पद जी अर्थात सूरदास जी के पद, सूरदास जी जिसको आपने, यस सूरदास तो आज आप जानते हैं, कमलली किसी को कहते हैं तुम सूरदास को, समझ जाता है कि अंधा है। तो सूरदास जी श्री कृष्ण के यस अनन्य भक्त हैं और उन्होंने श्री कृष्ण पे अनेकों रचनाएं की। आइए उनकी एक बहुत ही शानदार कृति, उनकी शानदार रचना के बारे में, सूर के पद के बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोयम डिटेल में, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे आपके साथ और आपको देंगे ये नोट्स आपके अपने चैनल सरतनुर पानी में। चलिए तो सूरदास के पद, तो सूरदास जी भक्ति काल के महान कवि थे, हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक, उपासक मतलब होता है उपासना करने वाले, ब्रिज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि हिंदी साहित्य में सूर्य मतलब सर्वोच्च। तो सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। हाँ अभी भी विद्वान अलग अलग मत रखते हैं कि सूरदास जी बाल्यावस्था से ही अंधे थे या बाद में हुए। सूरदास जी द्वारा रचित पांच ग्रंथ जो बताए जाते हैं उनमें सबसे पहला है सूर सागर। सूर सागर सूरदास की प्रसिद्ध रचना है जिसमें 125,000 पद संग्रहित हैं। 125,000 पद मतलब जानते हैं, यस पद मतलब दो पंक्तियों का पैसेज होता है, किंतु अब 7-8,000 पद ही मिलते हैं। और दूसरा कौन सा है, सूर सारावली। तीसरा साहित्य लहरी जिसमें इन्होंने, जिसमें इनके कूट पद संकलित हैं। और कौन से पद, और कौन सी इनकी रचनाएं हैं, नल दमयंती और प्यालो। तो यह पांच प्रमुख ग्रंथ हैं जो सूरदास जी के बताए गए हैं। आइए जिनसे हमें चर्चा करना है, हमें समझना है जिस कविता को, जिस पद को, वह है सूर के पद अर्थात सूरदास जी के पद।
आइए इस कविता का थोड़ा सा भावार्थ समझ लें, फिर एक एक पंक्ति को समझेंगे। तो सूरदास के पद में बाल कृष्ण के सौंदर्य, बाल चेष्टाओं और क्रीड़ाओं का मनोहार झांकी देखने को मिलती है। इसका मुख्य इसका प्रमुख उद्देश्य माता यशोदा के बाल कृष्ण के प्रति अन्यतम वात्सल्य भाव की अभिव्यक्ति है। माँ यशोदा की कृष्ण के प्रति प्रेम है, वात्सल्य प्रेम है। तो तीन पद में समझाया गया है, आइए पहले पद के बारे में जाने। तो जो पहला पद है जी, पहला पद में माता यशोदा बाल कृष्ण को मधुर लोरी गाकर सुनाती है और झुलाती है, सुलाती है और ममतामयी चेष्टा करती है कि वह जल्दी सो जाए, जैसे कि आप जानते हैं हर मां करती है। शायद आपकी मां ने भी ऐसे ही सुलाया होगा आपको लोरी गाकर। दूसरे पद में कृष्ण के मचलते हुए माखन खाने का बड़ा ही स्वाभाविक दृश्य है। आप जानते हैं श्री कृष्ण तो माखन चोर के नाम से भी जाने जाते थे, माखन तो उनका सबसे प्रिय फूड है, ये तो जानते हैं। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर मुग्ध माता यशोदा एक क्षण भी श्री कृष्ण को स्वयं से अलग नहीं करना चाहती है। यह तो हो गया दूसरा पद। तीसरा और अंतिम पद, तो तीसरे पद में श्री कृष्ण चंद्रमा को खिलौना बनाकर उसे खेलने की जिद करने लगते हैं। आप जानते हैं तो मां से कहेंगे मुझे चंद्रमा चाहिए, परंतु माता यशोदा यह कहकर उनके लिए चंद्रमा से भी अधिक सुंदर दुल्हन लाएंगी। वह चंद्रमा का हट छोड़कर तुरंत विवाह करने को तैयार हो जाते हैं। तो आइए एक एक पद को, एक एक पैसेज को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और एक एक शब्द का अर्थ निकालते हैं। यशोदा अर्थात यशोदा, आपको तो मालूम ही है श्री कृष्ण की माँ, अर्थात जन्म देने वाली माँ तो यशोदा नहीं है, पर पालने वाली माँ तो आप जानते हैं यशोदा है। तो यशोदा हरि पालने झुलावे, हरि अर्थात कृष्ण, तो यशोदा कृष्ण जी के पालने को, जी कृष्ण जी के पालने को क्या कर रही है, झुला रही है। और कृष्ण जी देखिए पालने में है, कृष्ण जी आप इस फोटो में देख सकते हैं कैसे यशोदा माँ क्या कर रही है, उसके पालने को झुला रही है। तो अलरावे अर्थात हिला रही है, दुलरावे हिला डुला रही है, मलहावे मलहावे मतलब होता है कुछ गा रही है, ठीक है, और जोई जोई कुछ गावे और धीरे धीरे कुछ गा रही है, और क्या गा रही है, लोरी गा रही है। अच्छा लोरी में क्या गाती है, ये देखिए लोरी है माँ की, यशोदा माँ की लोरी है, मेरे लाल को आओ निंदरिया, अर्थात मेरे पुत्र, लाल मतलब पुत्र, मेरे पुत्र को आओ नींद, काहे न आनी तुहावे, क्यों नहीं आ रही हो तुम सुलाने, क्या बात है, तू काहे नहीं बेगी, तू काहे नहीं जल्दी आवे, इसे कह रही है माँ, नींद से कह रही है। तो को काना बुलावे अर्थात तुम्हें काना अर्थात श्री कृष्ण बुला रहे हैं, नींदिया आ जाओ, कब हूं पलक, और ये तो हो गई माँ की लोरी जो माँ गा रही है। देखिए अब श्री कृष्ण का क्या रिएक्शन है, तो कभी वो पलक मूंद लेते हैं अर्थात अपनी पलके बंद कर लेते हैं, आंखों की पलके बंद कर लेते हैं, कभी अपने अधर, अधर मतलब होता है होंठ, कभी अपने होंठ फरकाने लगते हैं अर्थात होंठ हिला रहे होते हैं, सोवत जानी, और जब माँ को लगता है कि श्री कृष्ण सो गए हैं, सोवत जानी मौन, मौन हो जाती है माँ, और करी करी सैन बतावे, और सबको इशारे करती है जो वहां और गोपियां मौजूद है उनको इशारा करती है श्री कृष्ण सो गए, तो यही अंतर अकुलाई उठे, और इसी बीच क्या हो जाते हैं, तब तक श्री कृष्ण अंगड़ाई लेते, अकुलाई मतलब अंगड़ाई लेते हुए हरि अर्थात श्री कृष्ण उड़ जाते हैं, और जसोमती फिर क्या करती है, मधुर गावे अर्थात फिर माँ यशोदा मधुर गीत में लोरी गाने लगती है। तो इन सारे इस सारे दृश्य को देखकर सूरदास जी क्या लिखते हैं, देखो जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, कहते हैं सूरदास जी की यह सुख, इसका सुख श्री कृष्ण का जागना, श्री कृष्ण का अपने पाल में सोना, यह सुख तो देवताओं को मुनियों को भी दुर्लभ है, दुर्लभ मतलब जो आसानी से प्राप्त ना हो। सो नंद भामिनी पावे, नंद की पत्नी जी अर्थात यशोदा, आइए आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्या इस भावार्थ में, भावार्थ माँ यशोदा श्री कृष्ण को पालने में झुला रही है, कभी झुलाती है कभी प्यार करके पुचकारती है, चाहे जो कुछ गाती जा रही है ना, और वो गीत क्या है, मैं निकाल लो रही हूं। अब गीत में क्या गा रही है, निंद्रा तू मेरे लाल के पास आ, तू क्यों आकर उसे सुलाती नहीं, तू झटपट क्यों नहीं आती, तुझे कन्हाई बुला रहे हैं, अर्थात श्याम सुंदर था श्री कृष्ण, कभी अपनी पलके मूंद लेते हैं, कभी अपने होंठ फड़काने लगते हैं, कभी सोता समझकर मां जब चुप हो जाती हैं और दूसरी कोबियों को भी चुप रहने का संकेत करती हैं, या सोचते हुए कि श्री कृष्ण सो गए हैं, पर इसी बीच श्याम अर्थात श्री कृष्ण उठ जाते हैं और माँ यशोदा फिर से क्या करने लगती है, मधुर स्वर में गाने लगती है। इसी सबको देखकर श्री कृष्ण के इस बाल क्रीड़ाओं को देखकर सूरदास जी कहते हैं कि यह दृश्य तो देवताओं के लिए भी, हाँ यह सुख तो देवताओं और मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, वही श्याम का बाल रूप में पाकर लालन पालन प्यार का करना, यह सुख सिर्फ नंद की पत्नी को प्राप्त है, जी नंद की पत्नी भामिनी को प्राप्त है अर्थात माँ यशोदा को प्राप्त है। आइए सेकंड पद को पढ़ते हैं, सेकंड पद इज्जत जात माखन का, क्रोध भी कर रहे हैं, गुस्से में भी है, रूठे भी हुए हैं, और क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, रूठे हुए हैं, फिर भी माखन क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। अरुण मतलब लाल, लोचन मित्र नेत्र, देखिए आंखें लाल है, रोते रोते आंख तपकाते तपकाते, देखिए तो मखन भी खा रहे हैं, ये भी हो रहा है मखन भी खा रहे हैं, और बोहे टेढ़ी हो गई हैं, बोहे मतलब जानते हैं आईब्रोज, आईब्रोज टेढ़े हो गए हैं, बार बार जंभात और जंभाई ले रहे हैं, जंभाई जानते हैं क्या होता है ना, जंभाई मतलब बासी लेना, नींद आ रही है, समझ गए, तो जंभाई ले रहे हैं, कबहू रुनझुन चलत, और कभी क्या कर रहे हैं, अपने घुटनों के बल चल रहे हैं, धूल से सने हुए हैं उनका सारा शरीर, और कभी झुकी के अलक
अभी झुक करके अपने ही बाल खींच रहे हैं, अपने बाल खींच रहे हैं और बाल खींचने पर आंखों से आंसू, नैन जल भरी जात, नैन मतलब आंख, आंख से जल भरा रहा है। कबूतर और कभी तुतला करके बोल रहे हैं, कभी बोल रहे हैं तात और कभी पापा, तात मतलब वैसे तो पापा या दादा होता है। और सूरदास इन सब, यस इन सब को देख के कहते हैं कि सूरदास हरि की नरखी शोभा, श्री कृष्ण की यह शोभा निमिष तनच तजत नमात, अर्थात श्री कृष्ण की इतनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी शोभाएं लीलाएं क्या कर रही है, छोड़ी नहीं जा रही है। हाँ, त्यागने का एकदम मन नहीं है मां का, मां यशोदा का मन नहीं है। आइए इसका पूरा भावार्थ हाँ समझते हैं। यह पद राग राम कली में बद्ध है। एक बार श्री कृष्ण माखन खाते खाते रूठ गए हैं और उठे भी ऐसे कि रोते रोते आंख लाल हो गई है, ये राह दृश्य, रोते रोते आंख लाल हो गई है, वह वक्त मतलब टेढ़ी हो गई है और बार बार जमाई भी लेने लग रहे हैं, कभी कभी घुटनों के बल चलते हैं जिससे उनके पैरों पर पड़ी पैजनिया, पैजनिया हाँ पायल है ना, यहां लिखा था ना रुंझुन चलत घुटनोरिनी, तो पैरों में पड़ी पायल क्या कर रही है, रुंझुन स्वर निकाल रही है और घुटनों के बल चलने के कारण उनके सारे शरीर में धूल धूसरित हो गए हैं, धूल से भर गए हैं। कभी श्री कृष्ण अपने बालों को खींचते हैं और नैनों में आंसू भर लाते हैं, लिखा है कबहू झुकी के अलक खेच, अपने ही अलक को खेच रहे हैं, कभी तोतली बोलते हैं तो कभी तात को बुलाते हैं, तात पिता जी नंद बाबा को। और सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण की ऐसी शोभा देखकर यशोदा को एक पल भी छोड़ने को न हुई, अर्थात श्री कृष्ण की इतनी छोटी छोटी लीलाओं उन्हें अद्भुत रस आने लगता है, मां यशोदा भी श्री कृष्ण को अपने पास रखना चाहती है। अब तीसरा और अंतिम पद हम जान रहे हैं, मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हो, मां मुझे देखिए यहां पे कृष्ण जिद कर रहे हैं, मां मुझे चंद्र मां चाहिए, मां मुझे चंद्र के रूप में खिलौना चाहिए, धरो धौरी को पै पान न करी हो, धौरी कौन है, धौरी मतलब होता है सफेद गाय जी, मैं गाय का दूध नहीं पीऊंगा याद रखिएगा जी, पै मतलब होता है दूध ठीक है, न करे हो उर पर जी बेनी सिर पर गुथे हो, बेनी मतलब होता है चोटी, मैं सर पे चोटी भी नहीं गुथवाऊंगा, हाँ ध्यान दिया होगा आपने है ना, गुथे मतलब गुथवाऊंगा, मोतिन माल न धरे हो और क्या नहीं करूंगा, मोतियों की माला भी नहीं पहनूंगा, उर पर झगुली कंठ न ले हो, झगुली वस्त्र होता है जी, अठाला झगला टाइप का होता है जो बच्चे पहनते हैं, तो वो जो झगुली है जो आप मुझ पर पहनाने वाली है मैं उसे अपने गले कंठ मतलब गले से नीचे नहीं उतरने दूंगा, अर्थात मैं उसे धारण नहीं करूंगा, और जय हो लौट अब ही धरनी पर, मैं अभी धरती पे लौट जाऊंगा तेरी गोद में आया हूं। देखिए कितना प्यारा सा कृष्ण का जिद है, हट है, लाल कहे और नंद बाबा को, मैं अपने आप को नंद बाबा का पुत्र कहलाऊंगा, तेरो सुत न कहो, तेरा पुत्र ना ही कहलाऊंगा, या देखिए हट कर रहे हैं कृष्ण, कृष्ण चंद्र रूपी खिलौना पाने के लिए, कान लाए, अब देखिए मां यशोदा जब कृष्ण का यह हट सुनती है इस तरह से मां से जिद करते हैं तो कहती कान लाओ, कान लाए कुछ कहत यशोदा, कान लाओ तेरे कान में कुछ कहना है, दाऊ नहीं सम सुने हो, इन्हें बोलूं दाऊ को नहीं बताना, दाऊ सुन ले कहीं, आओ चंदा हूं ते अति सुंदर तो ही, तो चंदा से भी तुमको सुंदर, नवल नई दुल्हनिया ब्याहूं, नई दुल्हन से तुम्हारी ब्याह करा दूंगी, तेरी सौ तुम्हारी कसम मेरी सुन मैया, और तब श्री कृष्ण एकदम प्रसन्न चित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तेरी सौ मां तुम्हारी कसम अभय ब्याह जय हूं, अभी मेरा ब्याह कराओ, मैं अभी ब्याह कराने जाऊंगा। और सूरदास जी फिर कहते हैं, अब सूरदास सब सखा बराती बोलते हैं, हम सब आपके मित्र बराती बनकर के आएंगे और मंगल गीत गाएंगे, यस आपको मालूम है विवाह के उपलक्ष्य में सब लोग मंगल गीत गाते हैं, तो श्री कृष्ण की बारात में यस सूरदास भी क्या करना चाहते हैं, अपने मित्रों के साथ मंगल गीत गाना चाहते हैं। आइए भावार्थ एक बार फिर से, श्री कृष्ण चंद्रमा को देखते कहते हैं, मां मैं तो चंद्रमा खिलौना लूंगा, वरना मैं गाय का दूध नहीं पूंगा, चोटी नहीं गुथवाऊंगा, मोतियों की माला नहीं पहनूंगा, अभी धरती पर लौट जाऊंगा पर तुम्हारी गोद में नहीं आऊंगा, तुम्हारा और नंद बाबा का बेटा भी नहीं कहलाऊंगा, वैसे नंद बाबा का बेटा कहलाऊंगा, तुम्हारा नहीं कहलाऊंगा। हाँ, अम्मा यशोदा को कृष्ण को बहकाते हुए कहती हैं कि ये पुत्र मेरी बात सुनो, ये बलराम जो है ना, हाँ यहाँ लिखा ना दाऊ, दाऊ मतलब बलराम जी, मुझे दाऊ है तुम्हारा बड़ा भाई जो है ना, उसे ना बताना कि मैं तुम्हारा ब्याह चंदा से भी सुंदर दुल्हन से करूंगी। और यह सुनकर श्री कृष्ण अपनी मां से कहते हैं, मां तेरी सौगंध मैं अभी ब्याह, मेरा ब्याह अभी कर दो, मैं ब्याह अभी करने जाऊंगा। इस पर सूरदास जी कहते हैं वे श्री कृष्ण की बारात में बाराती बनकर मंगल गीत गाएंगे। विनय के पद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित यह पद आपको समझना है सिंपल लैंग्वेज में, तो आइए बिगिन करते हैं क्विकली, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको समझेंगे। एक बार आपने समझ लिया आई प्रॉमिस यू ये नोट्स और ये लेसन वीडियो आप नहीं भूलेंगे। तो देखते हैं क्या है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के यस सबसे महान संत कवि माने जाते हैं। रामचरितमानस जी, रामचरितमानस तो एक गौरव ग्रंथ है और आदि काव्य यस, जिस प्रकार से बाइबल अगर क्रिश्चियंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर किताब है तो हिंदुओं के लिए रामायण है। तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार इन्हें माना गया है, ठीक है। और तो और रामचरितमानस जी, श्री रामचरितमानस में रामायण से लिया गया ही कथानक है, अर्थात स्टोरी उसी की इसमें है। और रामचरितमानस एक लोक ग्रंथ है, पब्लिक का एक बुक है और उत्तर भारत में इसका बड़ा भक्ति भाव से पढ़ा जाता है। और तो और मैं बताऊं वाराणसी में रामचरितमानस मंदिर भी है जी, गोस्वामी तुलसीदास जी का मंदिर है। इन्होंने सिर्फ रामचरितमानस नहीं विनय पत्रिका नाम की भी एक बहुत ही श्रेष्ठ रचना की। इनका ये एक अन्य महान काव्य है, महाकाव्य श्री रामचरितमानस को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46th रैंक दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा है और इंपॉर्टेंट यह काव्य है। तुलसीदास जी रामनंदी के वैरागी साधु थे, अर्थात राम भक्ति के अनन्य साधु थे। इनकी रचनाओं में भगवान राम की अनन्य भक्ति दिखती है, स्क्रीन पर आप उनकी इमेज भी देख पा रहे होंगे। आइए
पहले पद में चार, इसमें चार पैराग्राफ है, दो दो पंक्तियां हैं। हाँ, पहली दो पंक्तियां पद जिसम कह रहे हैं वो ये रही, ऐसो को उदार जगमाही बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को नाही। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम के समान उदार संसार में कोई और नहीं है, श्री राम के अतिरिक्त ऐसा कोई दूसरा नहीं है जो दीन दुखियों पर बिना सेवा के ही कल्याण करे। ठीक है ना, बिनु सेवा अर्थात बिना सेवा के, द्रवय अर्थात करुणा देने वाले, दीनों पर करुणा करने वाले भगवान श्री राम के समान कोई नहीं है जी। आइए दूसरा पद पढ़ते हैं, जो गति जो मुक्ति एक तरह से, जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी। तो जो मृत्यु जो सदगति जोग करने से तप से करने से और कठिन से कठिन जतन करने पर भी नहीं मिलता है मुनियों को ज्ञानियों को, वो गति अर्थात वो सदगति देत किसको दिया, भगवान श्री राम ने वो गति वो गिद्ध को दिया, गिद्ध अर्थात जटायु। और किसको सदगति दी, शबरी को दी, शबरी एक भीलनी एक आदिवासी स्त्री, हाँ ऐसी सदगति दी जो साधुओं और ज्ञानियों को भी प्राप्त हुई। कह प्रभु न बहुत जीव जानी, अर्थात भगवान ने उस पर अपने मन को यस कोई बड़ी बात न समझी, यस भगवान के लिए बड़ी बात नहीं है। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे इस जटायु और शबरी की कहानी को भी, स्क्रीन पे आप इन दोनों से रिलेटेड इमेजेस यहां पर देख पा रहे हैं, ये रही शबरी और ये रहे जटायु। हाँ शबरी एक भीलनी थी, एक आदिवासी, यस भीलनी थी, इसे पूर्वाभास था कि भगवान श्री राम एक न एक दिन इसकी कुटिया में आएंगे, या हर दिन भगवान श्री राम की राह देखती थी और उनके लिए बेर इकट्ठे करती थी, और बेर क्या करती थी, भाववश चक्के देख लेती थी कहीं वह खट्टे तो नहीं है, तो यही झूठे बेर एक दिन भगवान श्री राम ने यस चखे। तो इस तरह से झूठे बेर खा के भी शबरी को क्या कर दिया उन्होंने, यस शबरी को मुक्ति दे दी, उसके जीवन को सदगति प्राप्त कर दी। और वही हुआ गिद्ध जटायु का भी, जटायु ने जब पवन मार्ग में यस देखा कि रावण सीता का हरण कर ले जा रहा है, उसने उसका मुकाबला किया, रावण का मुकाबला किया और रावण के द्वारा वह घायल होने पर धरती पर आ गिरा। उसने अपने अंतिम क्षण भगवान श्री राम के चरणों में बिताया और उन्हें बताया कि किस प्रकार रावण ने सीता का हरण कर उसे दक्षिण के मार्ग में लंका की तरफ ले गया है। तो इस तरह से दोनों को भगवान श्री राम ने जटायु को और शबरी को क्या दिया, गति दी, अर्थात उनके जीवन को मुक्ति प्रदान कर दी। उस एहसान को मन में बहुत बड़ी बात कभी भी भगवान ने ऐसा नहीं समझा। और इन दो पंक्तियों में देखेंगे और क्या भगवान श्री राम की भक्ति में मिलता है, जो संपत्ति 10 शीश अरब कर रावण शिव पहलीनी। देखिए इस सीन में, इस इमेज में आप देख पा रहे हैं भगवान शंकर को, भगवान भोले को रावण अपना अर्पित कर रहे हैं, रावण अपना शीश काटकर अपने 10 सिर काटकर भगवान शिव को अर्पण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए सोने की लंका, यस लंका को पाने के लिए, मैं इंग्लिश में ऊपर लिख दे रहा हूं, यस लंका का स्वर्ण राज्य प्राप्त करने के लिए रावण ने अपने 10 सिर को काटकर भगवान शिव को प्रसन्न किया। और यही लंका, यही संपत्ति रावण का वध करने के बाद विभीषण को, यस पूरी सोने की लंका विभीषण को थोड़ा सकुचाते हुए थोड़े संकोच में भगवान ने दे दी। यस याद रखिएगा, संकोच तो किया पर भगवान ने कभी अभिमान न किया इस रावण के भाई विभीषण को उस सोने की लंका को देने में। तो ऐसे हैं, ऐसे ही दानवीर हैं, ऐसे ही लोगों को करुणा देने वाले हैं हमारे श्री राम। और इन दो पंक्तियों में, इस पद में तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो, तुलसीदास जी कह रहे हैं इसमें पहली पंक्ति में कि मेरे मन में जितने प्रकार के सुख चाहते हैं वे सब राम की कृपा से प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर कट लिखा है, सब भांति सकल सुख चाहसी मन मेरो, तो जिस प्रकार के भी सुख मेरा मन चाहता है वह सब मुझे मेरे श्री राम दे देंगे। तो भजू राम काम सब पूर्ण कर ही कृपा निधि तेरो, तो हे कृपा करने वाले, यस कृपा के निधि, कृपा के सागर कौन, श्री राम, वे हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो इसीलिए भगवान राम की भक्ति का, यस इस पूरे पैसेज में भगवान की राम की भक्ति का संदेश देते हैं भगवान राम के अनन्य भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी। आइए अब दूसरे, यस चार इसमें पद मिलेंगे, छोटे छोटे यस इसमें दो दो पंक्तियों के पद मिलेंगे। अब हम देखेंगे कि भक्ति पाने के लिए आपको करना पड़ेगा त्याग, इस पर है इसका जोर। आइए, जाके प्रिय न राम बदेही, अर्थात जिसके लिए, जिस भी व्यक्ति के लिए भगवान के, भगवान राम के लिए जगह नहीं है, यस जिसके लिए भगवान राम माता सीता के लिए अपने हृदय में जगह नहीं है, तजिए, तजिए मतलब त्याग दो, लीव करो भाई, छोड़ दो, तज मैं लीव कर दे रहा हूं इंग्लिश में लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, तो त्याग दो, यस तग दो, त्याग दो, छोड़ दो, किसको, कोटि बेरी सम, वह आपके करोड़ों बैरी के समान है, दुश्मन के वह व्यक्ति समान है, जब जदपि प्रेम स्नेही, क्या बात है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसे सीता राम से प्रिय नहीं है, अर्थात जिसके हृदय में भगवान राम और सीता के लिए स्नेह नहीं है, वह भले ही अपना कितना ही प्रिय क्यों ना हो, लिखा है ना जदपि मतलब यदपि प्रेम स्नेही आपके लिए कितना ही प्रिय क्यों ना हो, उसे यस उस दुश्मन के समान छोड़ देना चाहिए, वह आपके करोड़ों दुश्मन के समान है। आइए दूसरी
दूसरे पद में देखें, पद दूसरा संख्या में, तजो, जिस प्रकार त्याग, मैंने कहा था भगवान राम को प्राप्त करने के लिए, उनकी भक्ति पाने के लिए आपको त्याग का मार्ग अपनाना पड़ेगा, जिस प्रकार त्यागा प्रहलाद ने अपने पिता। हाँ, ये देखिए स्क्रीन पे आप देख पाएंगे, भगवान राम का नाम जप रहे नन्हे प्रहलाद को देखिए, प्रहलाद ने अपना ईश्वर भगवान राम को माना, विष्णु के रूप को माना, जबकि हिरण्यकश्यप, यस राजा हिरण्यकश्यप, यस ये है राजा हिरण्यकश्यप, राजा हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान मानते थे, तो राजा हिरण्यकश्यप का ही संतान, यस राजा हिरण्यकश्यप का ही संतान अपने पिता को, जो कि प्रहलाद है, अपने पिता को क्या करता था, कभी भी भगवान मानने से मना कर दिया, उसने त्याग दिया अपने पिता को। तो तजियो पिता, अपने पिता को त्यागने वाले प्रहलाद, अपने भाई, बंधु मतलब होता है भाई, अपने भाई को त्यागने वाले विभीषण, विभीषण के भाई रावण है याद रखिएगा, तो विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया याद रखिएगा, क्योंकि भाई तो बुरा था। और भरत ने अपनी मां का भी त्याग किया, अपनी मां केकई का त्याग कर दिया, क्योंकि उन्होंने राम का त्याग किया था याद होगा, तो भरत ने अपनी मां का त्याग किया। और राजा बलि, राजा बलि जो बड़ा बलवान था, उसने अपने गुरु तक को त्याग दिया। हां, और तो और व्रज की, यस व्रज की गोपियों ने अपने पतियों को भी त्याग दिया, लिखा है ना, तजियो कंत, यस कंत व्रज बन पत्नी, यस अपने पतियों को भी क्या कर दिया, व्रज की स्त्रियों ने त्याग दिया श्री कृष्ण के अनुराग में, श्री कृष्ण के प्रेम में, याद रखिएगा श्री कृष्ण भी और श्री राम भी दोनों ही विष्णु के यस रूप हैं। तो भय मद मुद मंगलकारी, और जिस जिसने भी त्यागा, यस भगवान के लिए त्याग किया, उन सबका जीवन मृदु कोमल और मंगलकारी हुआ। आप देखें तो कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उदाहरण देके समझाते हैं, सिद्ध करते हैं कि जिस प्रकार प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का, विभीषण ने अपने भाई रावण का, भरत ने अपनी मां केकई का, राजा बलि ने अपने गुरु, और व्रज की स्त्रियों ने, यस व्रज की स्त्रियों ने श्री कृष्ण के प्रेम में अपने पतियों का भी परित्याग कर दिया, इन सभी ने अपने प्रियजनों को छोड़ा, पर उनका कल्याण ही हुआ, यस उनका जीवन मंगलमय हुआ। आइए इस दोहे में देखें क्या वो कहना चाहते हैं, नाते नेह राम के मनियत, अर्थात हमेशा राम का ही स्नेह अपने जीवन में मानो, सुहृद सुसैद्य जय लो, याद रखिएगा कि राम को अगर आपने अपने हृदय में बसा लिया, सुहृदय बसा लिया, तो आपका जीवन क्या हो जाएगा, यस सुखमय हो जाएगा। अंजन, यस जैसे कि आंखों में, यस काजल, अंजन कहां, अंजन मतलब काजल कहां, आंख जय फूटी, यस ऐसा काजल, वैसे तो काजल आंखों की शोभा बढ़ाता है, स्क्रीन में मैंने एक ऐसा फोटो भी लगाया है जिससे आंखों की ब्यूटी, आंखों की सुंदरता दिखाई दे रही है काजल लगाने पर, और वही काजल अगर आप कोई आंखें खराब कर दें, आंखें लगाने में आंखें फूट जाएं, तो आपको कैसे भाएगा। तो कवि कहते हैं, यस गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार काजल के प्रयोग के बिना आंखें सुंदर नहीं दिखती, उसी प्रकार श्री राम के अनुराग के बिना जीवन असंभव है, यस श्री राम को अनुराग करिए, यस आगे तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा सुरमे को आंख में लगाने का क्या लाभ जिससे आंख ही फूट जाए। आइए अंतिम पद की तरफ पढ़ते हैं, तुलसी सो सब भाति परम तित पूज्य प्राणते प्यारे, तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर आपको पूजना है, अगर आपको सच का प्राणों का प्रेम अर्जित करना है, और जासो हो यस नेह राम पद, बस आपको क्या करना है, राम के पद पर श्री राम के चरणों में क्या करना है, अपना स्नेह लगाना है, उनके चरणों में ध्यान लगाना है, ऐसा एतो, एतो मतलब ऐसा मतो हमारो, ऐसा मत है मेरा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का यह मत है, अर्थात यह मानना है कि जिसके कारण प्रभु के चरणों में प्रेम हो, यस जिसका प्रभु के चरणों में ध्यान होगा, श्री राम के चरणों में ध्यान होगा, वह सब प्रकार से अपना हितकारी पूजनीय और प्राणों से प्यारा होगा। भिक्षु यह कविता आपके सिलेबस में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, हाँ महाकवि निराला जी ने लिखी है, यह हिंदी साहित्य के छायावाद के प्रमुख चार स्तंभों में से एक थे। आप कहेंगे सर ये छायावाद क्या होता है, हाँ छायावाद को अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो नियो रोमांटिसिज्म कहते हैं। हाँ जैसे आपने इंग्लिश में विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ा था, जो नेचर को अपने ही शब्दों में डिस्कस करते, डिस्क्राइब करते, उसकी फीलिंग्स लाते, तो ऐसे ही कवि हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और चार स्तंभ कौन से रहे हैं जिनके बारे में, जिनमें से एक ये हैं, तो वो चार स्तंभ हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, महादेवी वर्मा जी और स्वयं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो आइए थोड़ा इनके बारे में जाने और इस पूरी कविता को हाँ देखते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, निराला तो इन्होंने अपना एक नाम रखा है ना, और ये एक महान लेखक, कहानीकार, कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और संपादक भी थे। तो सोचिए कितने सारे फील्ड्स के ज्ञाता थे, और उनकी कविताएं क्योंकि ज्यादा महत्वपूर्ण हुई तो उनकी कविताओं से इन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली। इनको निराला जी को प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता का जनक भी माना जाता है। हाँ निराला जी की ये कविता भिक्षुक मतलब भिखारी, आपको भिखारी का लाइव, हाँ लाइव डिस्क्रिप्शन दे देगी, आपके मन में भी भिखारी के प्रति दया के भाव, सहानुभूति के भाव उत्पन्न होने लगेंगे, जो इस कविता का असली मकसद भी है। आइए एक एक लाइन को पढ़ते हैं, एक एक शब्द को पढ़ते हैं, बहुत आसान भाषा में लिखी गई है ये कविता है। वह आता या वह किसके लिए प्रयोग किया गया है जी, भिखारी भिक्षुक के लिए। दो टूक कलेजे के करता, टूक टुकड़े कलेजे, वैसे कलेजा तो मतलब हार्ट है यहां पर, तो यहां पर क्या मतलब है, हार्ट के टुकड़े करना, हृदय के टुकड़े करना, क्या का मतलब आया यहां पर, मतलब आया कि अपने आप को दुखी करना, अपने दिल को दुखी करके आना, पछताता है वह, पथ पर आता है, पथ मतलब रास्ते पे, मार्ग पर, यथार्थ मार्ग पे आकर भीख मांगना उसे अच्छा नहीं लगता है, उसे बहुत बुरा महसूस होता है, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, क्या आपने कभी पेट और पीठ को मिलते हुए देखा है, नहीं, ये एक तरह का उपमा है, एक तरह का आप कह सकते हैं एग्जैजरेशन है, जिसका मतलब है कि पेट और पीठ इतने सट गए लगता है कि दोनों एक हो गए हैं, क्योंकि बहुत समय से उसने खाया नहीं है। और चल रहा लकुटिया टेक, लकुटिया मतलब होता है लाठी, आपने जरूर
ऐसे कई भिखारी देखे होंगे कि वह इतने दुर्बल हो चुके हैं शरीर से क्योंकि खाए नहीं है, तो वह लाठी को टेक कर, लकुटिया मतलब लाठी को टेक मतलब उसका सहारा लेकर के चलते हैं। क्या चाहिए इनको? मुट्ठी भर दाने को, बहुत भूख नहीं है, हाल भर खाना नहीं चाहिए, बस क्या चाहिए, आज के दिन के लिए उनको जीना है, मुट्ठी भर अनाज चाहिए, भूख मिटाने को चाहिए। और क्या ले आते हैं साथ में? मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता है, अर्थात उसका झोली नहीं है जिसमें वह अनाज लेना चाहता है, पर वह झोली भी क्या है? फटी हुई है। तो दैनीय उसके स्वयं की स्थिति है, दैनीय उसके वस्त्रों की स्थिति है, और जो उनके साथ में चीजें हैं वह भी क्या है? दैनीय है। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, तो अपने भी और देखने वाले के भी दिल को पसीज देता। आइए, ये रहा उसका दूसरा पैराग्राफ। मैंने कहा बहुत सिंपल भाषा में लिखी गई, एक साधारण भाषा में लिखी गई है, यह कविता है। आपको उसको देखकर, इसको पढ़कर एक भिखारी का पूरा चित्रण, एक मार्मिक दृश्य भिखारी का आपके मन में जरूर आ रहा होगा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। आगे भी सुनिएगा। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, तो भिखारी अकेला नहीं है, उसके दो बच्चे हैं जो हाथ फैलाए हुए हैं, बाएं हाथ से मलते पेट को चलते। तो बच्चे क्या करते हैं? बाएं हाथ से, बाएं मतलब लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से वो अपने पेट को मलते हैं ताकि लोगों को दिखा सके कि यह पेट खाली है। पेट मलने का मतलब अर्थ आ रहा है कि वह पेट की तरफ लोगों को इशारा करते हैं। बोलने के लिए भी उनके पास क्या है? हाँ, शक्ति और शब्द की कमी है, शक्ति और शब्द की कमी है उस भिखारी के बच्चों की। और दाहिने और राइट हैंड क्या करते हैं? राइट हैंड जो होता है, दाहिना मतलब राइट हैंड, दया दृष्टि पाने को और बढ़ाए, तो दाहिना हाथ आगे की तरफ बढ़ाए हुए हैं ताकि कोई उस पर दया कर सके, उस पर दान दे सके। मांगते किससे हैं? दाहिने हाथ से। ध्यान दीजिएगा, भूख से सुख ओठों जब जाते, तो ये जो होंठ है उसके काफी समय न खाने और न पीने की वजह से क्या हो जाते हैं? ये सूख जाते हैं उनके। दाता भाग्य विधाता, दाता मतलब दया करने वाले, दान देने वाले, तो आप और मैं भी इन भिक्षकों के दाता होते हैं, और वो जो ईश्वर है वो सबका दाता है, वो उनसे भी क्या करते हैं? वो उनसे भी कुछ नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है वो जो भगवान है, वो जो भाग्य लिखने वाला था, लगता है उनके भाग्य में अन्न नहीं लिखा है, क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि कभी उनकी तरफ से, हाँ भिक्षु की तरफ से क्या करना चाहते हैं, उस विधाता से प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या आपने उनके भाग्य में कुछ लिखा है, कुछ पाना लिखा है उनके भाग्य में? और देखिए क्या जवाब क्या मिलता है, देखिए जवाब मिल जाता है, घूट आंसुओं के पीकर रह जाते हैं, क्योंकि यहां पर भी जब विधाता से भी उन्हें कुछ नहीं मिलता है, तो आंसुओं के घूट पीना मतलब अपना अपमान सहना, अपना दर्द चुपचाप सह लेते हैं, वो खाए बिना रह लेते हैं वो। आइए, अंतिम पैराग्राफ में से एक है। चाट रहे जूती पत्तल, वे कभी सड़क पर खड़े हुए। आपने भी देखा होगा यह सीन, मैं शोर के साथ कह सकता हूं, यह दृश्य आपकी नजरों से जरूर आया होगा, कि भिखारी को जब कुछ नहीं मिलता है, भूख से जब व्याकुल होता है, तो वह भिखारी क्या करता है? सड़क के किनारे पड़ी पत्तल, पत्तल वो पत्ते के बने, एक कह सकते हैं कि प्लेट होती है, पत्ते की बने की प्लेट होती है, और उस पे जो रखा कुछ जूठा, हाँ किसी का फेंका हुआ पदार्थ, बचा हुआ खाना, वह खा रहे हैं। देख लीजिए और क्या है, देखिए उससे भी विडंबना क्या है, इसके आगे की विडंबना क्या है? झपट लेने को उनसे कुत्ते भी अड़े हुए। देखिए उनकी स्थिति कुत्ते से भी खराब है, क्योंकि उनसे वह जो पत्तल में लगा भोजन है उससे कुत्ते क्या कर रहे हैं? झपट रहे हैं, छीन रहे हैं। और देखिए क्या होगा, देखिए आपको दर्द कैसा महसूस होगा। हेरो अहो, मेरे हृदय में है अमृत। देखिए कभी का हृदय फट पड़ता है, सूर्यकांत निराला जी का हृदय फट पड़ता है इन भिक्षकों की इस दैनीय स्थिति को देखकर, और कहते हैं मेरे हृदय में आपके लिए तो अमृत है, अमृत तो है आपके लिए, इन 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 किसके लिए? इन भिखारियों के लिए। मैं सींचूंगा और मैं अपने हृदय से इनको सींचूंगा, था मैं इनके प्रति, इन भिक्षकों के प्रति सहानुभूति रखता हूं, और अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम। या वो प्रेरणा देना चाहता है, या वो साहस भरना चाहता है भिक्षकों में कि वो हार न माने, वो अभिमन्यु की भांति। यहां अभिमन्यु का जिक्र क्यों है? तो अभिमन्यु श्री अर्जुन जी के, हाँ, पांच पांडवों में से एक अर्जुन जो कि धनुर्धर थे, उनका एक पुत्र है, और अभिमन्यु को महाभारत के युद्ध में अपने पिता के स्थान पर, अर्जुन के स्थान पर चक्रव्यूह की रचना को फेरना था। हाँ, चक्रव्यूह में सात द्वार थे, उन सातों द्वार को तोड़ने के लिए अभिमन्यु स्वयं चले गए थे, और सातों द्वार को उन्होंने तोड़ लिया, अंदर पहुंच भी गए, व्यूह रचना को तोड़ दिया कौरवों की, पर वह बाहर निकल नहीं पाए, क्योंकि वहां सात सात महारथियों ने उसे घेर कर उसे मार दिया। तो अभिमन्यु की मृत्यु जरूर हो गई, वीरगति को प्राप्त हुए, पर सारी दुनिया, सारा संसार और इवन शत्रु भी उसके गुणगाने लगे। तो चाहते हैं कि इस भिक्षुक को अभिमन्यु की भांति क्या करना है? संघर्ष करना है, आगे बढ़ना है, और अपने मान को, अपने सम्मान को बचाए रखना है। तुम्हारे दुख में मैं अपने हृदय में सींच लूंगा। तो कभी चाहते हैं कि उनका मदद कर सके, उनके प्रति लोगों की सहानुभूति आ सके, ऐसा वो करना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से। चलना हमारा काम है। ये पोयम मुझे लगता है कि आपके सिलेबस की सबसे आसान पोयम होगी, क्योंकि इसमें आपको लगेगा कि आप कोई कविता पढ़ने रहे हो, आप कुछ गीत गुनगुना रहे हो, ऐसा लगेगा कि आपको कोई गीता का कोई क्या कर रहा है, उपदेश दे रहा है कि जीवन में कर्म करो, फल की इच्छा न रखो, ऐसा लगेगा। ये पोयम एक तरह से लगेगा मोटिवेशनल के लिए पोयम है। तो आइए समझते हैं क्या इस पोयम में चलना हमारा काम है। तो शिव मंगल सुमन जी, यह एक प्रसिद्ध हिंदी कवि और शिक्षाविद थे, और इनकी मृत्यु के बाद हमारे जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने इनके बारे में कहा था कि डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन केवल हिंदी कविता के क्षेत्र में एक शक्तिशाली चिन्ह ही नहीं थे, बल्कि वह अपने समय की सामूहिक चेतना के संरक्षक भी थे। उन्होंने न केवल अपनी भावनाओं का दर्द व्यक्त किया, बल्कि युग के मुद्दे पर भी निर्भीक रचनात्मक टिप्पणी भी की थी। तो एक तरह से शिव मंगल सुमन जी, हाँ, हिंदी के एक ऐसे कवि माने जाते हैं जो निर्भीक तरीके से बिना डरे अपनी बातों को कहने के लिए। आइए, क्या है इस कविता में, यहां से शुरू करते हैं। गति प्रबल पैरों में भरी, तो प्रबल मतलब होता है बल से युक्त, पैरों में चलने की शक्ति भरी हुई है, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, तो वाय
कवि यह कहना चाहता है कि क्यों मैं स्टैंडिंग रहूं जब चलने की शक्ति है पैर में तो। अर्थात जब याद रखिएगा, चलना एक शाब्दिक अर्थ है और असली में है कर्म करते रहना, ठीक है, इसका गुण अर्थ है कर्म करना। तो जब हमारे सामने है रास्ता इतना बड़ा और जब हमें दिख रहा है कि हमें करने को बहुत काम है तो खड़े रहने का कोई मतलब नहीं है ना, और जब तक मंजिल ना पा सकूं तब तक मुझे न विराम है। तो यही है संदेश जीवन का कि आप जब तक अपनी मंजिल तक न पहुंच जाएं तब तक क्या नहीं करना है, विराम मतलब होता है आराम न करना, फुल स्टॉप न लगाना, और चलना हमारा काम है, यही ये पोयम का नाम है। चलिए दूसरा भी एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, तो जब हम चल रहे होते हैं रास्ते में आपको किसी को कुछ कहना पड़ सकता है, किसी से बातें शेयर करनी होती है, किसी की सुननी भी पड़ती है, कुछ बोझ अपना बांट लिया, अच्छा हुआ। क्या करेंगे, अपना कह करके अपने बोझ को हल्का कर सकते हैं, दूसरे का बोझ लेना भी है, याद रखिएगा, सिर्फ बोझ देना नहीं है। अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया था। जीवन में आपको जो आपके साथी मिल जाते हैं, जो आपका साथ देते हैं आपकी मंजिल तक ले चलने में, वह उसके लिए कह रहा है। तो कुछ रास्ता ही कट जाएगा जब वो साथ रहते हैं, तो आपके रास्ते में क्या करते हैं, आपको रास्तों की तकलीफों का पता नहीं चलता है, क्या राह में परिचय कहूं। और इसीलिए रास्ते में किसी को क्या करते हैं, जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो अपने बारे में बहुत क्या करते हैं, परिचय नहीं देते हैं, बल्कि सबको बताते हैं कि हम राही हैं। राही वो होता है जो राह पे चल रहा होता है, राही हमारा नाम है और चलना हमारा काम है। तो मैंने कहा ना, पूरी पोयम आपको ऐसी लगेगी किसी ने कोई गीत गा दिया है, या कोई किसी ने गीता का क्या कर दिया, कोई आपको उपदेश देना शुरू कर दिया। आइए भावार्थ में समझ लेते हैं। कभी कहते हैं जब तक जीवन में सफलता ना मिल जाए तब तक रुकना नहीं है और कर्म करते रहना चाहिए, और कर्म करते समय हमें समस्या का सामना भी करना पड़ेगा, और जब समस्या आएंगी तो घबराना भी नहीं है, अतः हमारा काम है चलते रहना। यही तो हमेशा कहा जाता है ना, शायद आपके पेरेंट्स भी कह रहे हैं, टीचर्स भी कह रहे हैं, पढ़ाई करो, मार्क्स के लिए तैयारी करो, आगे बढ़ो, एंड के बाद रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। क्यों? तो इसलिए सदैव कर्म पथ पर चलते रहना है। और क्या है, हमें सुख दुख को भूल कर अपने मन को हल्का कर लेना है। कैसे मन को हल्का कैसे करेंगे, अपने अपनी बातें किसी को बताकर, किसी का गम अपने जानकर उसका दुख दर्द बांट लेंगे, है ना, किसी की तकलीफों को ले लेने से उसका दुख दर्द कम हो जाता है। हम सब जीवन पथ के पथिक हैं, और हम सब, यस तुम मैं, हम सब क्या कर रहे हैं इस जीवन रूपी मार्ग में, क्या कर रहे हैं, एक राही है, एक पथिक है, और रास्ते में अनेक साथी मिलते हैं, जिस तरह मैं और आप मिल गए हैं। जी, मैं और आप मिल गए हैं इस यूट्यूब चैनल पर, है ना, मिल गए ना। कभी आपने सोचा था कि एक ऐसे टीचर मिलेंगे यूट्यूब पर आपको पढ़ाएंगे, आपको नोट्स मिल जाएगा, लेसन वीडियोस मिल जाएंगे, हाँ, तो मिलेगा ना कैसे। तो आपके पथ में ऐसे अनेक लोग मिलेंगे, सभी का साथ लेकर हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। पर आपका मकसद क्या होना चाहिए, कि आपका लक्ष्य जिससे पूरा हो रहा है आप उसके साथ क्या करिए, आगे बढ़ जाइए। रुकना रुकना ठहरना नहीं है। आइए दो और पैराग्राफ देखते हैं। जीवन अपूर्ण लिए हुए, याद रखिएगा, हमारे जीवन में पूर्णता पूर्णता तब आएगी जब हम क्या करेंगे, जब किसी चीज के लिए परफेक्ट हो जाएंगे। तो मैंने कहा था नोबडी इज परफेक्ट, सब में कुछ कमियां हैं, तो हमारा जीवन क्या है, अपूर्ण है। हाँ, ये मत सोचिए कि मैं भी पूर्ण हूं, यस, हर व्यक्ति में कुछ कमी है, पाता कभी खोता कभी, तो ये तो जीवन का नियम है ना, आप कुछ पाएंगे तो कुछ खोएंगे भी, कभी आशा तो कभी निराशा, एक जैसा दिन कभी नहीं होता है, कहते हैं ना कभी दिन कभी रात, तो कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, गति मति न हो अवरुद्ध, पर यह सब होने के बावजूद न तो हमारी गति और न हमारी सोच, न हमारा विवेक, न हमारा ज्ञान रुके, हमें तो बस निरंतर बढ़ते रहना है। इसका ध्यान आठों याम है, याम मतलब होता है तीन घंटे का समय, जी तीन आवर्स को, तीन घंटों को कहते हैं याम, और आठ याम मतलब 8 × 3, 8 × 3 = 24, इसका मतलब है दिन के 24 घंटे हमें क्या करना है, यही ध्यान रखना है कि हमें रुकना नहीं है। याद रखिएगा, जो रुक जाएगा ठहर जाएगा वहां पे उसका अंत हो जाएगा। इस विशद विश्व प्रहार में, तो यह विश्व को क्या कह रहा है, विशद प्रहार, प्रहार तो वैसे आप कहते हैं किसी पे हमला कर देना, किसी पे वार कर देना, किसको नहीं बहना पड़ा। तो जब क्या करेंगे, जब यह विश्व में अर्थात आपको समाज में लोगों में क्या मिलेगी, प्रताड़ना मिलेगी, डांट मिलेगी, आपका विरोध होगा, तो सुख दुख, सुख भी मिलेगा दुख भी, हमारे ही तरह, किसको नहीं सहना पड़ा। कोई बड़े व्यक्ति का नाम लीजिए, हाँ, महात्मा गांधी का नाम लीजिए, क्या उनको दुख नहीं सहना पड़ा, क्या उनको जेल में नहीं जाना पड़ा, क्या उनको लाठियां नहीं पड़ी। तो जीवन है, सबके साथ होगा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिर, तो सबको बताते नहीं करो, सबको घूम घूम के मत बताओ कि तुम्हारे साथ क्या गया, ठीक है ना, क्योंकि सुख दुख तो इस देह का धर्म है, मुझ पर विधाता वाम है, ये मत बताओ सबको कि मुझसे मेरे ईश्वर नाराज है, मुझे तकलीफों का सारा बोझ मुझे दे दिया गया, क्योंकि सबको, अरे जब भगवान राम की मैं बात करूं, जब उनको भी वनवास मिल गया तो सोचिए। तो कहने का अर्थ है जीवन आगे बढ़ते का रहने का नाम है। आइए भावार्थ में समझ जाते हैं कवि क्या कहना चाहते हैं। तो श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन में कुछ भी पूर्ण नहीं है, कुछ भी परफेक्ट नहीं है, मनुष्य कभी कुछ पाता है तो कभी खोता है, इसलिए सफलता मिलने पर मुस्कुरा उठता है तो असफल होने पर थोड़ा निराश हो जाता है। बट इन सब पर क्या है, बट सब दिन एक समान नहीं होते हैं, आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, कभी सुख मिलेगा तो कभी दुख मिलेगा। तो कभी कहते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि गति ना रुके, हमारा कर्म करने न रुके, और न ही कभी हमारी मति रुके, और न ही हमारे सोच, हमारे विचार जो हमें आगे ले जाने जा रहे हैं वह रुके, तो कभी हमारे विचारों में बाधा ना आए। कभी का कहना है कि सभी के जीवन में सुख दुख समान गति से आते जाते हैं, याद रखिएगा, सिर्फ आपके जीवन में दुख नहीं आ रहा है या सुख नहीं आ रहा है, सबके जीवन में आते हैं, तो सुख दुख जीवन का अंग है, अनिवार्य अंग है, और हम, यस, एक हम इस जीवन में अकेले नहीं है जिसे सुख दुख आते हैं, इसलिए जीवन की कठिनाइयों को सहते हुए आगे बढ़ो। हाँ, ये मत कहो कि ईश्वर ने सारे दुख मुझे दे दिए, लगता है भगवान मेरा शत्रु है, जी नहीं, ईश्वर तो आपकी परीक्षा ले रहा है। आइए अंत के दो पैराग्राफ और पढ़ते हैं। मैं पूर्णता की खोज में, यस, यह शिव मंगल जी कह रहे हैं कि इंसान अपने आप को पूर्ण, अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए
खोजता रहता है, दर दर घूमता रहता है, प्रत्येक पग पग मतलब कदम पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता रहता है। और जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप जानते हैं कोई ना कोई आपका लेग पुलिंग करता है। निराश, निराशा क्यों मुझे, पर हमें इसमें निराश नहीं होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन मार्क ऐसे जीवन, क्योंकि इसी का नाम है। जीवन किसका नाम है? चलते रहने का नाम है, इसीलिए चलना हमारा काम है। साथ में चलते रहे, कुछ बीच में ही फिर गए, और याद रखिएगा जो हमारे साथ चल रहे थे, हो सकता है उनमें से कुछ लोग आपका क्या करें, साथ छोड़ दें, और बीच में ही क्या करें, वह रास्ता अपना मोड़ लें। याद रखिएगा हमें नहीं रुकना है उनकी वजह से। गति न जीवन की रुके, क्यों? क्योंकि कवि का कहना है जो गिर गए सो गिर गए, रहे यस रहे हर दम, और हमें क्या करना है, हर वक्त हर समय उसी की सफलता का अभिराम है। याद रखिएगा लगातार आगे बढ़ना ही सफलता का नाम है, क्योंकि जो गिर गए इसका मतलब है वो आपसे पिछड़ गए, वह चले गए पीछे। तो इसीलिए क्या करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, कीप वॉकिंग। चलिए, मैंने कहा था ना यह कविता आपको लगेगी कि कोई उपदेश दे रहा है, कोई ज्ञान की बातें सिखा रहा है। हाँ, ऐसा ही कुछ है। कभी कहते हैं कि जीवन में कुछ भी पूर्ण नहीं है, मैंने बता दिया, और पूर्णता पाने के लिए मनुष्य के राह में अनेक रोड़े मुसीबतें आएंगी, तो इसमें निराश होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जीवन किसी का नाम है ना, जीवन संघर्ष का नाम है। और मार्ग में कुछ साथी भी मिलेंगे जो आपका साथ देंगे, तो कुछ ऐसे होंगे जो आपका बीच में साथ छोड़ के चले जाएंगे। याद रखिएगा ऐसे दोस्त भी होंगे आपके, और वही दोस्त जो आपके साथ चलते रहेंगे, यस उनका कभी साथ मत छोड़ना। तो जीवन में अनेक साथी मिलते हैं, लक्ष्य प्राप्ति यस आपकी मंजिल की प्राप्ति के लिए उन पर निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि जीवन में सफलता का सुख वही प्राप्त कर सकता है जो निरंतर कर्म के पथ पर चलता रहता है। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेली हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे सर ये कौन सी कविता आपने सुना दी। जी हाँ, ये कविता है झांसी की रानी, जिसको सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा था। वीरस से भरी ओतप्रोत करने वाली यह कविता, और आपको यह कविता मात मंदिर की ओर भी थोड़ा कल्पना करना पड़ेगा। सोचिए एक बच्चे एक बालिका, हाँ जब भारत पराधीन था, हमारी ये भारत माँ, ये मात मंदिर कोई और नहीं है, हमारी भारत माँ का मंदिर। अर्थात कल्पना करिए कि हमारी भारत माँ एक बेड़ियों में जकड़ी हुई और अंग्रेज शासकों द्वारा किसी पहाड़ी पर किसी ऊंचे स्थान पर जकड़ रख ली गई है। और सोचिए एक बालिका, कल्पना करिए एक बालिका उस माँ तक पहुंचना चाहती है, उस मातृ मंदिर तक जाना चाहती है। ऐसी कल्पना करके आप इस पोयम को सोचेंगे तो आपको पोयम बहुत ही मार्मिक लगेगी, हृदय को छूने वाली लगेगी। आइए थोड़ा सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में थोड़ा बताएं, तभी आपको इस पोयम से उनका कनेक्ट समझ में आएगा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कवित्री व लेखिका है, और झांसी की रानी इनकी एक प्रसिद्ध कविता है जो शायद मुझे लगता है हर किसी बच्चे ने जरूर पढ़ी होगी। यह राष्ट्रीय चेतना का एक राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवित्री रही है, और स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल की यातनाएं सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानी में भी व्यक्त किया है। तो आप समझ सकते हैं कि वह देश प्रेम से ओतप्रोत कवित्री हैं, और यह कविता जब भारत गुलाम था, हमारा जो भारत माँ है जब भी गुलाम थी तब लिखी गई, और उनके हृदय में होने वाली पीड़ा को यह कविता अभिव्यक्त करती है। इसीलिए वह हम सबको प्रेरित करती है कि हम सब मिलकर चले उस भारत माँ की ओर जो बेड़ियों से जकड़ी गई है, जिन्हें हाँ पहरेदार अंग्रेज शासक क्या कर रहे हैं, रोक रखे हैं हमारे मार्ग को, हमारे उस मंदिर तक जाने में हमें रोक रहे हैं। आइए देखें एक एक पंक्ति का अर्थ बहुत आसान भाषा में। चलिए, व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, चलो उसको गहलाऊं आज। तो मैंने कहा कल्पना करनी पड़ेगी, आपको कल्पना करना पड़ेगा कि एक बालिका है, एक लड़की है, जो अपने भारत माँ यस माँ के प्रति उसकी अगाध प्रेम के, माँ को वो अपना दुख दर्द बताना चाहती है, क्योंकि माँ को वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ देखती है। आप समझ गए होंगे कि यह स्वाधीन नहीं पराधीन भारत की यस पर लिखी कष्ट की पीड़ा की तकलीफ को व्यथित करती है ये दो पंक्तियां हैं। तो व्यथित मतलब दुखी है, मेरा हृदय दुखी है, मेरा मन दुखी है, क्योंकि मैं इसके दुख को क्या करना चाहती हूँ, आज बहलाना चाहती हूँ। इस हृदय को, इसके दुख को आज क्या करना चाहती हूँ, बहलाना। और दुख को कैसे बहलाते हैं, एक कन्या, एक लड़की अपने माँ को अपना दर्द बता के अपना दुख बयां करती है, तो उस भारत रूपी माँ भारत माँ को पास जाना चाहती है और अपना दर्द अपना दुख बयां करना चाहती है। अपना करिएगा थोड़ा सा, बताकर सुख दुख उसे हृदय का भार हटाऊं आज। मैंने बताया था हर बालक हर बालिका अपने दिल का सुख दुख अपने माँ को शेयर कर, अपने माँ को बताकर क्या करना चाहता है, अपने दुख को हल्का करना चाहता है। वैसा ही हमारी कवित्री जी भी करना चाहती है। तो एक बालिका के रूप में वो अपनी माँ को अपना सुख दुख बताकर अपने हृदय की पीड़ा को कम करना चाहती है। चलो माँ के पद पंकज पकड़ नयन जन से नहलाऊं आज। और क्या चाहती है कवित्री, चाहती है कि हमारी माँ के पद पंकज, पंकज मतलब कमल होता है, पद मतलब होता है पैर, तो कमल रूपी पैर, कमल रूपी चरण माँ के, भारत माँ के, तो भारत माँ के कमल रूपी चरण को पकड़कर और नयन के जल से मतलब अश्रुओं की धारा से क्या करना चाहती है, उनके पैर को भिगोना चाहती है। देखिए कितना मार्मिक एक दृश्य होगा कि एक बालिका अपने दुख को हल्का करने के लिए अपने आंखों के नेत्र से, नेत्र के जल से अपने माँ के चरण पखारना चाहती, धोना चाहती है। तो मात मंदिर में मैंने मैं कहा चलो दर्शन कर आओ आज। तो आज क्या मन है कवित्री का, आज मन है उस माँ का दर्शन करना चाहती है। देखिए दर्शन आसान नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कल्पना करिए कि माता जो भारत माँ है हमारी, वो एक स्त्री के रूप में माँ के रूप में है, और ऊंचे पहाड़ियों पर है, और उन्हें जकड़ लिया गया है बेड़ियों में। और कल्पना करिए कि वह गुलाम जो हमारी माँ है, उन्हें कुछ पहरेदारों ने भी रोक रखा है, चारों तरफ से घेर रखा है, अंग्रेज शासक जिसे हम कह सकते हैं। तो ये देखिए आगे की पंक्तियों में क्या कहना चाहती हैं। किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, दीन हूं छोटी हूं अनजान। देखा इस नन्ही बालिका को, कवित्री को यह ध्यान आ जाता है कि वह उस माँ के मंदिर में जाना चाहती है, पर वह तो यह सोचती है कि वह तो दीन है, दीन मतलब होता है कमजोर,
वह तो छोटी है और वह तो जानती भी नहीं है, वह तो अज्ञान है, अनभिज्ञ है। देखिए मात मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम ही बतला दो हे भगवान। देखा अब मां के मंदिर पे जाने का जो रास्ता है वह रास्ता भी मुश्किल है। मैंने बताया, कल्पना करिए कि पहाड़ी मार्ग पर हमारी मां को कैद कर लिया किसी ने, हमारी भारत मां को कैद कर दिया है, तो उसे लगता है वह रास्ता भी दुर्गम है और इसीलिए वह ईश्वर से क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि हे ईश्वर मुझे मुझे शक्ति दो कि मैं अपनी मां तक पहुंच सकूं। अब देखिए आगे की पंक्तियों को देखिएगा, तुम ही बतला दो हे भगवान मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान। और क्या मार्ग में बाधा आ रही है, मां तक पहुंचने में जो रुकावट है वो है बाधा, मतलब रुकावट क्या है, वो पहरेदार, क्योंकि वो हमें मां से मिलने नहीं देंगे। और पहरेदार कौन है, मैंने कहा विदेशी शासक, हमारे केस में तो हमारे भारत को अंग्रेजों ने गुलाम रखा था, तो ये पहरेदार कौन है, हमारे मां के मंदिर में हमारी मां से मिलने में जो हमें रोक रहे हैं वो ये पहरेदार हैं। और मां को पहुंचना भी मुश्किल है क्योंकि वहां पर ऊंची ऊंचे सीढ़ियां हैं, सोपान मतलब होता है सीढ़ियां हैं। मैंने कहा था कल्पना करिए कि मां एक ऊंची पहाड़ियों में कैद है, फिसलते हैं दुर्बल पैर, चढ़ा दो मुझको या भगवान। तो देखिए फिर से कवित्री क्या कर रही है, ईश्वर को शक्ति देने के लिए कह रही है, कह रही है ईश्वर से कि मेरा पैर कमजोर है और सीढ़ियां ऊंची ऊंची है मां तक जाने की, पर मुझे शक्ति दो कि मैं वो मां के दर्शन कर सकूं। देखा मैंने कहा था ना आपके अंदर भी एक जोश, एक एनर्जी, एक ताकत भर देगी ये कविता, आप सच में महसूस करेंगे एक पुत्री का मां से मिलन। आइए आगे बढ़ते हैं। आहा आहा वे जगमग जगमग जगी ज्योतियां दिख रही है। देखिए जीवन में उनकी आशा ही आशा है, तो इतने कष्ट मां तक पहुंचने को, मां के पहुंचने पर इतना दुर्गम रास्ता, ऊंची सीढ़ियां, पर फिर भी वह पॉजिटिव सोच वाली हैं, वह आशावादी हैं, और उन्हें क्या कर रही हैं, वह दूर से देख पा रही हैं, क्या देख पा रही हैं कि वहां तो जगमग ज्योतियां जल रही हैं। और यहां पे कल्पना करना चाहते हैं कि कवित्री देख पा रही हैं कि बहुत जल्दी ही मेरी भारत मां क्या होने वाली है, आजाद होने वाली है, यह स्वाधीनता हमारे भारत को मिलने वाली है, ऐसी वो कल्पना करती है कि जल्दी ही हम स्वाधीन हो जाएंगे। तो इसी के लिए वो जो ज्योति है, वो जो प्रकाश है, वो उसे महसूस होता है। और क्या होता है, देखिए कितना पॉजिटिव है ये पैराग्राफ, कितना आशावादी है ये। शीघ्रता करो वाद्य वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊं वहां। देखिए ये प्रार्थना है ईश्वर से उनकी, क्या कह रही है कवित्री कि जल्दी करो वहां पे तो वाद्य बज रहे हैं, वाद्य मतलब बाजा बज रहा है, खुशी के गीत बज रहे हैं, ऐसा वो कल्पना कर रही है। कवित्री कल्पना कर रही है कि मां को आजादी मिल गई है, मां स्वतंत्र हो चुकी है, इसलिए वो ज्योतियां, वो दीपक, वो प्रकाश और वो वाद्य यंत्र भी सुन पा रही है। और भला मैं कैसे जाऊं वहां, पर वहां जाना दुर्गम है, इसलिए वह ईश्वर से क्या करती है, वहां जाने की प्रार्थना करती है। सुनाई पड़ता कलजन कलगान, मुझे वहां का सुंदर गीत सुनाई दे रहा है, हां भारत मां की आजादी का गीत सुनाई दे रहा है, मिला दूं मैं भी अपना तान और मैं उस गीत में अपना योगदान देना चाहती हूं। यहां पर गीत में योगदान देना था वह भारत की आजादी में अपना भी हिस्सा, अपना भी बलिदान, अपना भी सर्वस्व निछावर करना चाहती है उस आजादी के लिए। शीघ्रता करो मुझे ले चलो मातृ मंदिर में हे भगवान। तो ये प्रार्थना है ईश्वर से उस पुत्री की, उस बेटी की, हां उस बेटी की जो अपनी मां की इस आजादी के लिए प्रार्थना कर रही है और मां तक पहुंचना चाहती है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलूं मैं जल्दी से बढ़ चलूं, देख लूं मां की प्यारी मूर्ति। देखा एक बालिका को अपने मां का स्वरूप, हाँ हर बच्चे को अपनी मां का वो चेहरा, आप ये आंख बंद करिए और एक पल के लिए अपनी मां का चेहरा देखिए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, मैं वचन दे रहा हूं, करिए जरा। तो उसी तरह से इस भारत मां को भी यस कल्पना कर कवित्री कहती है कि मैं जल्दी से उस मां तक पहुंचना चाहती हूं, मातृ मंदिर तक जाना चाहती हूं, क्योंकि मां की प्यारी मूर्त देखना चाहती हूं। और आहा आहा वह मीठी सी मुस्कान जगाती होगी प्यारी न्यारी स्फूर्ति, क्योंकि मां को देखकर हर बच्चा चहक उठता है, स्फूर्ति मतलब होता है एनर्जी आ जाती है, हाँ स्फूर्ति मतलब नया जोश आ जाता है। तो माँ की मीठी मुस्कान देखकर हर बालक में, हर बच्चे में क्या होता है, मुस्कुराहट आ जाती है, नया जोश आ जाता है। उसे भी आती होगी याद, उसे यहाँ पे अब कवित्री माँ के लिए कह रही है कि जिस तरह हम अपनी माँ को याद कर रहे हैं, उन तक पहुंचना चाहते हैं, तो जरूर वो माँ जो हमारी है, हाँ वह भारत माँ के लिए कह रही है, वह भारत माँ वह भी हमें याद कर रही होंगी, उन्हें भी हमारी याद आ रही होगी, हाँ आती होगी याद। देखिये यहाँ पर भी आशावाद है, देखिये वह माँ के प्रति भी आशा मनमित है कि उतना ही सच्चा प्यार हमारी माँ भी हमसे करती है, हमें याद करती है, क्योंकि देखिए एक बच्चा क्या करता है जब माँ का सच्चा प्यार ना मिलता है तो क्या होता है, देखिए नहीं तो रूठूंगी मैं आज, जैसे हम अपनी माँ से रूठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ पल के लिए नाराज हो जाते हैं, ठीक है ना, जब हमें लगता है कि हमारी बात नहीं मानी जा रही है, तो कवित्री भी कहती है कि मैं रूठूंगी, सुनाऊंगी उनको फरियाद, और क्या करूंगी, अपनी अपनी फरियाद, अपनी याचना, हाँ अपनी अपनी इच्छा उनको बताएंगी, माँ को अपना दर्द बता देंगे एक तरह से।